गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई थिंक और लोग अभी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। जब जैसे ही कोई ज्वाइन बीच में करेगा तो वहीं से कंटिन्यू कर लेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड 2 यूनिट्स ऑफ BCOC 133। अनफॉर्चुनेटली हमारे रिसोर्स पर्सन आज भी ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो अब मैं ही कंटिन्यू करूँगा इस कोर्स को। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज जो एक यूनिट है, थर्ड यूनिट है, इसमें हमने यहाँ पर कल छोड़ा था हमने, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पर छोड़ना पड़ा था कल। कल आज यहीं से शुरू करेंगे। तो बेसिकली एक यूनिट जो है, हम जो यूनिट पढ़ रहे हैं, या ये BCOC 133 जो यूनिट है, वो लॉज के बारे में है। कौन से लॉज हम बिजनेस के अंदर फॉलो करते हैं। BCOC 132 जो हमने पढ़ा था वो अबाउट बिजनेस था। बिजनेस की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, कैन स्टार्ट अ बिजनेस, हु कैन एंड अ बिजनेस, हु कैन हु इज रिस्पॉन्सिबल, हु हैव सम लाइबिलिटीज, हाउ टू गेट रॉ मटेरियल, हाउ टू गेट फंडिंग, ये सब हमने पढ़ा था। बिजनेस में डिसीजन मेकिंग क्या होती है, एंड डिसीजन मेकिंग के बाद प्लानिंग क्या होती है, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये सब हमने बिजनेस में पढ़ा था। तो कल से हम जो पढ़ रहे हैं वो है लॉज। पहली और सेकेंड यूनिट थी अबाउट द लॉज ऑफ बिजनेस, और थर्ड यूनिट है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। अब कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के अगर बारे में अगर हम बात करें, तो कैपेसिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का एक काम करने की एक क्षमता होना, क्षमता को कैपेसिटी बोलते हैं। अगर इसमें यहाँ पर पार्टीज का मतलब होता है जो दो लोग जिनके बीच में कोई भी डील हो रही है, वो यहाँ पर एज अ पार्टी रेफर किया गया है। तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में अगर हम एक ओवरव्यू शुरू से करें, तो इसमें इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि कौन से जो पार्टी, जो दो पार्टीज के बीच में या दो लोगों के बीच में, ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में जो डील हो रही है, जो एक एग्रीमेंट हो रहा है, या कोई कॉन्ट्रैक्ट फाइनली हो रहा है, वर्बल हो रहा है, नॉन वर्बल हो रहा है, बाय थ्रू मीन्स ऑफ लेटर हो रहा है, टेलीफोनिकली हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है, दैट विल डिपेंड अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज। अगर कोई पार्टी कैपेबल ही नहीं है उस डील को करने के, उस एग्रीमेंट को करने के, तो वो एग्रीमेंट जो होगा वो वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो इसमें अगर हम बात करें कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, तो कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में बहुत सारे तरह की पार्टीज हो सकती हैं। जैसे कि हम अगर बात करें, एक जो बंदा 18 18 प्लस है, वो एक ऐसी पार्टी मानी जाएगी हु कैन हैव एन एग्रीमेंट विथ एनीवन एल्स। जो 18 प्लस नहीं है, जो माइनर है, उसका करा हुआ कोई भी एग्रीमेंट, या उन दो दो लोगों के बीच में जिसमें से एक माइनर है, उन दोनों के बीच में करा हुआ कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्या माइनर कौन होता है, एग्रीमेंट्स बाय अगर माइनर हो जाता है तो उसकी क्या पोजीशन होगी, मतलब वो माइनर अगर कोई एग्रीमेंट करता है तो उस माइनर का, उस एग्रीमेंट का कोई प्रूफ है भी कि नहीं है, या वो एग्रीमेंट कैसे वैलिड है, कैसे इनवैलिड है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनसाउंड माइंड के लोग जो है। अनसाउंड का मतलब है जो लोग उतना अच्छी तरह से अपने माइंड को यूज नहीं कर पाते, जो मेंटली उतने एबल नहीं है, उनको हम अनसाउंड माइंड कहेंगे। जो तो वो अनसाउंड माइंड के साथ अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, तो वो एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं है। और अगर इफ अ पर्सन इज साउंड बाय माइंड राइट नाउ, अगर वो अभी इस जिस टाइम पे उसने एग्रीमेंट किया है, उस टाइम पे वो उसका माइंड जो है वो साउंड है, यानी कि वो ठीक है, बट आफ्टर सम टाइम वो उसका माइंड अगर वो साउंड नहीं रहता है, वो किसी वजह से उसका माइंड ही बिकेम्स अनस्टेबल, तो उस केस में एग्रीमेंट का क्या होगा, पोजिशन ऑफ एग्रीमेंट क्या होगी विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। लॉज क्या होंगे, कौन से लॉज हैं जो डिस्क्वालीफाई करेंगे, ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, यूनिट 3 में। जिसको भी कोई इश्यू आता है वो बीच में भी पूछ सकता है और लास्ट में भी पूछ सकता है। तो इसमें पहला 3.2 सेक्शन है, हु इज कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिसकी जो मैंने अभी बात की, इसमें बताया गया इट प्रोवाइड्स दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी कि जो मेजोरिटी है, जिसकी एज 18 प्लस है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसका माइंड ठीक है, हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड, ये जो पहले किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने जिसे किसी कोर्ट
कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने से डिबार नहीं किया है, मतलब उसे किसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगी हुई है ऑलरेडी, वो पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो कॉम्पिटेंट है। कौन कॉम्पिटेंट नहीं है? अ माइनर, एक छोटा बच्चा या एक 18 से नीचे वाला बच्चा जिसका कोई गार्जियन भी उसके साथ नहीं है, वो एक कॉम्पिटेंट नहीं है। जिसका माइंड साउंड नहीं है, यानी कि हु इज मेंटली अनस्टेबल, डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, जिसको हमारे लॉ कोर्ट कोर्ट्स ने डिस्क्वालिफाई कर दिया किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने से, वो ये तीन लोग हमारा जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है उसको करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब माइनर, माइनर की अगर बात करें, माइनर कौन है, हु इज अ माइनर, तो इसमें अगर इसके हिसाब से पढ़ा जाए, व्हेन ही कंप्लीट्स 18 ईयर्स, कोई भी पर्सन जो 18 ईयर्स को कंप्लीट कर ले, वेयर अ गार्जियन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी और बोथ हैज बीन अपॉइंटेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ, और वेयर हिज प्रॉपर्टी हैज बीन पास्ड अंडर द सुपरिटेंडेंस ऑफ द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, ही हिज प्रॉपर्टी ही अटेन्स द मेजोरिटी ऑन कंप्लीशन ऑफ 21 ईयर्स। इन अदर वर्ड्स, नॉर्मली अ पर्सन शैल बी ट्रीटेड अ माइनर इफ ही हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ 18 ईयर्स इन द फॉलोइंग टू केसेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो कोई पर्सन 18 ईयर्स का नहीं है तो उसको माइनर ही कंसिडर करेंगे, पर अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जब वो माइनर था उसके गार्जियन ने कोई, जो उसका गार्जियन है, उसका लीगल गार्जियन है, उसने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया है या उसने कोई एग्रीमेंट किया है, तो टिल द एज वो कोई जो माइनर है वो अपनी 21 ईयर्स ऑफ एज हो जाएगा, तब तक वो कोर्ट ऑफ लॉ के लिए, जो कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से वो मेजर नहीं माना जाएगा, आफ्टर 21 ईयर्स ही मेजर माना जाएगा, इन केस अगर उसके गार्जियन ने ऑलरेडी कोई एग्रीमेंट किया है उसके बिहाफ पे। तो इसमें दो पॉइंट्स बताएंगे, वेयर गार्जियंस माइनर्स पर्सन और प्रॉपर्टी इज अपॉइंटेड अंडर द गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट, एक गार्जियन एंड वर्ड्स एक्ट है 1980 का, उसके हिसाब से अगर अपॉइंट किया गया है कोई गार्जियन तो उसके बारे में बात की गई है 1980 एक्ट में। तो पोजीशन ऑफ एक्ट बाय एग्रीमेंट बाय माइनर, अगर किसी माइनर ने कोई एग्रीमेंट किया है तो उसका क्या पोजीशन होगा, उस एग्रीमेंट की क्या वैलिडिटी होगी, उसके बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे 3.3.2 में। और कॉन्ट्रैक्ट विद और बाय अ माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड एंड द माइनर देयरफॉर कैन नॉट बाइंड हिमसेल्फ बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें एक केस का भी एग्जाम्पल दिया, मोहरी और बीबी वर्सेज धर्मोदास घोष का, जिसमें माइनर की बात की होगी, इसको आप पढ़ सकते हैं, इसमें 20,000 रुपीज बोरोइंग की बात हुई है द फैक्ट। तो अगर कोई भी एक माइनर किसी एग्रीमेंट को करता है तो वो एग्रीमेंट माना ही नहीं जाएगा, दैट एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड एट ऑल। तो अगर इस केस की बात करें, इसमें एक एग्जाम्पल दिया है केस का, धर्मोदास अ माइनर, एक माइनर है जो धर्मोदास था, हमारा ये एक रियल इंसिडेंट की बात है, एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर बोरोइंग एक सम ऑफ, उसने 20,000 रुपीज बोरो किए, लेंडर ने जिसने जो पैसे दिए वो 8,000 रुपीज पहले दिए टू हिम, एंड धर्मदास एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन फेवर ऑफ द लैंडर, मतलब उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो लैंडर को एक गिरवी के रूप में दे दी, मॉर्टगेज कर दी अपनी प्रॉपर्टी को। सब्सिक्वेंटली द माइनर स्यूड फॉर सेटिंग असाइड द मॉर्टगेज, द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट सेशन 10 और 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक द माइनर कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, यानी कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो ही वैलिड नहीं माना गया, उसको वॉइड माना गया, देयरफॉर द मॉर्टगेज वाज नॉट वैलिड, जो उसने अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी थी वो भी वैलिड नहीं है। तो उसको जो कोर्ट ने जो फैसला किया, द रिजल्ट दैट कोर्ट गिवन वाज, जो मॉर्टगेज जो 8,000 रुपीज माइनर ने लिए थे वो माइनर वापिस करे, और जो उसकी प्रॉपर्टी जो उसने मॉर्टगेज की थी वो वापिस हो, यानी कि जो प्रॉपर्टी थी वो रिकवर हो गई, मनी भी रिकवर हो गई और प्रॉपर्टी वापिस हो गई, वो एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था ही नहीं। तो ये एक एग्जाम्पल है, अगर कोई माइनर किसी मेजर के साथ एग्रीमेंट करता है। उसके बाद आता है फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनर, ये भी एक एक तरह का, एक माइनर के साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो वो भी वैलिड नहीं होता। विल इट मेक एनी चेंज इन केस माइनर इज गिल्टी, अगर माइनर गिल्टी है किसी उसमें किसी फ्रॉडलेंट में, अगर वो कोई फ्रॉड करता है अबाउट हिज एज, देयर बाय इंड्यूसिंग द अदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, नो इट विल मेक नो चेंज इन द स्टेटस ऑफ द एग्रीमेंट, द कॉन्ट्रैक्ट शैल कंटिन्यू टू रिमेन वॉइड। तो अगर एक माइनर किसी के साथ एक फ्रॉड कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है, वो भी एक वॉइड माना जाएगा, द कॉन्ट्रैक्ट शैल कंटिन्यू टू रिमेन वॉइड। तो ये फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन बाय माइनर की बात होती है। इसमें भी एक केस का एग्जाम्पल दिया है, अगर आप इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, जैसे कि लेजली और शेल का केस इसमें दिया है, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से केस की बात हो रही है और किस किस एप्लीकेशन की बात हो रही है, अगर हम माइनर की बात कर रहे हैं उसके अंदर। उसके बाद माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट जॉइंटली विद द मेजर पर्सन, अगर एक माइनर मेजर पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी कि हम दो लोग हैं जिसमें से एक माइनर है और एक मेजर है,
और हम दो लोग एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो उस केस में जो जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो माइनर के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ही इज नॉट इन द स्टेज ऑफ डूइंग एनी कॉन्ट्रैक्ट, वो अभी उसने ऐसी कोई स्टेज अटेन ही नहीं करी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट, तो जितनी भी लाइबिलिटी होगी वो माइनर के ऊपर नहीं होगी बल्कि मेजर के ऊपर होगी। अगर इसमें पढ़ें भी तो डॉक्यूमेंट्स जॉइंटली एग्जीक्यूटेड बाय माइनर एंड अडल्ट, किसी माइनर और अडल्ट ने जॉइंटली कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करे हैं, बट दे कैन नॉट बी फोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन हु हैज जॉइंटली एग्जीक्यूटेड द सेम, प्रोवाइडेड दैट देयर इज अ जॉइंट प्रॉमिस टू पे बाय सच अ मेजर पर्सन। तो माइनर अगर पार्टनर है तो भी उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है, वो भी मेजर के ऊपर रहेगी। माइनर अगर पार्टनर है, माइनर एज अ पार्टनर, माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, हाउएवर माइनर में भी, तो कोई भी अगर माइनर है तो वो किसी फॉर्म में पार्टनरशिप भी नहीं कर सकता, इफ इज नॉट द एज ऑफ 18 तो वो किसी फॉर्म में पार्टनरशिप नहीं कर सकता। जबकि वो अगर कोई माइनर है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फ्रॉम द टाइम बीइंग बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप, द मीन्स ही कैन शेयर द प्रॉफिट्स विदाउट इनकरिंग एनी पर्सनल लाइबिलिटी और लॉसेज। यानी कि जो माइनर है अगर उसको जितने भी उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर पार्टनर उस माइनर को अपना अपना पार्टनर बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, पर उस केस में भी जो माइनर है वो सिर्फ प्रॉफिट्स शेयर कर सकता है, मतलब जितने प्रॉफिट्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के वो माइनर को मिलेंगे, जितना लॉस होगा लाइबिलिटी होगी वो माइनर के ऊपर नहीं जाएगी। तो ये भी एक केस है माइनर एज अ पार्टनर में, माइनर एज अ एजेंट में भी यही आता है, माइनर एज अ शेयर होल्डर में भी यही आएगा। देर हैज बिन स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रोवर्सी एज टू वेदर अ माइनर कैन बिकम अ शेयर होल्डर मेंबर ऑफ द कंपनी इन द व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द प्राइवेसी काउंसिल डिसीजन, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। तो इसमें साफ साफ बताया गया है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से, द प्राइवेसी काउंसिल डिसीजन के हिसाब से कोई भी माइनर एक शेयर होल्डर या फिर एक पार्टनर इन द कंपनी नहीं बन सकता है। इसमें कुछ केसेस एग्जाम्पल दिए गए हैं, पलानिया, जैसे कि पलानियापा वर्सेस पशुपति का केस दिया गया है, और अलग अलग केस दिए गए, दवान सिंह वर्सेज मिनेवारा फिल्म्स लिमिटेड का केस दिया गया है। इन सभी केसेस में माइनर एज अ शेयर होल्डर का केस को वॉइड माना गया है। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट बिकॉज ही इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डेब्ट्स, तो यही बात है कि वो उसे कैपेबल नहीं माना जाएगा माइनर को, क्योंकि वो डेब्ट्स को रीपे करने के लिए कैपेबल ही नहीं है, तो वो माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट। अब कुछ एक्सेप्शंस बताई गई हैं कौन से केस में माइनर को भी लायबल माना जाएगा, वो वाली एक्सेप्शंस बताई गई हैं। अगर एक एक्सेप्शन पढ़ें तो कॉन्ट्रैक्ट बाय गार्जियन है, कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर्ड इनटू अ बिहाफ ऑफ, अगर किसी गार्जियन ने या उसके मैनेजर ने, लीगल गार्जियन ने माइनर के बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, इन सच अ केस कॉन्ट्रैक्ट पे कैन बी एनफोर्स्ड बाय और अगेंस्ट द माइनर प्रोवाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज विद इन द स्कोप ऑफ अथॉरिटी ऑफ द गार्जियन और मैनेजर इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द माइनर, दस अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ पेरेंट और सर्टिफाइड गार्जियन ऑफ द माइनर फॉर अ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द माइनर कैन बी एनफोर्स आइदर पार्टी सिंस इट मे बी, और मैं अगर किसी गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है एक माइनर के बिहाफ पे, यानी कि अगर मैं एक माइनर हूँ और मेरे बिहाफ पे किसी गार्जियन ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, किसी एग्रीमेंट किया या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे बेनिफिट के लिए है, इफ आई एम ए माइनर एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर माई बेनिफिट, अगर वो मेरे बेनिफिट के लिए है, यानी कि अगर मैं माइनर हूँ और समवन इज ट्राइंग टू स्टील माई, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, लैंड का एग्जाम्पल लूँ, क्योंकि लैंड के ऊपर बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज होती हैं, अगर मैं माइनर हूँ और मेरे कोई रिश्तेदार मेरी उस लैंड को मुझसे लेना चाहते हैं जबरदस्ती, जो लीगली मेरी है, एंड सम गार्जियन या मेरे पेरेंट्स या एनी लीगल गार्जियन ऑफ माइन वो जो जमीन है या लैंड है वो मेरे नाम करवा देते हैं, वो मेरे बेनिफिट के लिए है इसलिए वो मेरे नाम कराइए, अगर इस केस में अगर कोई लॉस होता है तो माइनर भी लायबल होगा उस लॉस के लिए, यानी कि अगर प्रॉफिट होता है उस लैंड से तो भी माइनर लायबल है, और जो लॉस होगा तो भी माइनर लायबल है। इस केस में भी एग्जांपल्स बताए गए हैं भोलानाथ वर्सेस बलबरा प्रसाद का, ये एग्जांपल्स आप पढ़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, नेसेसरीज का मतलब आप वर्ड से समझ सकते हैं, जो नेसेसिटीज होती हैं किसी भी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सप्लाई ऑफ नेसेसरीज टू अ माइनर और टू दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन हिम कैन बी एनफोर्स्ड अगेंस्ट हिम नॉट पर्सनली बट सो फार एज हिज प्रॉपर्टी में एक्सटेंड, इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इन टू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी वन हु इज लीगली बाउंड टू सपोर्ट इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, अ पर्सन हु
हैज फर्निश्ड सच सप्लाईज इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब ये है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ नेसेसरीज, यानी कि अगर मैं एक माइनर हूँ और मेरे ऊपर भी एक फैमिली डिपेंडेंट है, माइनर होने के बाद भी जितने भी लोग मेरे साथ हैं वो सब डिपेंडेंट है, और मेरी कोई हेल्प करता है उस टाइम पे, मेरी नेसेसिटीज को पूरा करता है, यानी कि मेरे फूड शेल्टर को पूरा कर रहा है, इफ समवन इज प्रोवाइडिंग मी फूड एंड शेल्टर और मैं एक माइनर हूँ, तो मैं लायबल हूँ कि भाई जो मेरी प्रॉपर्टी है अगर मैं उसको, जो मेरी जो जितनी भी हेल्प किसी पर्सन ने मुझे की है अगर मैं उसको वापस नहीं कर पा रहा हूँ, इफ आई एम नॉट एबल टू रीपे, तो उस केस में मेरी प्रॉपर्टी से उसको रीपे किया जा सकता है, मैं फुली लायबल हूँ, मेरी प्रॉपर्टी फुली लायबल है उस चीज को रीपे करने के लिए, क्योंकि जो मदद की गई थी वो मेरी नेसेसिटीज को पूरी करने के लिए मदद की गई थी। इस केस में एक माइनर भी लायबल होगा जो आपकी जो हेल्प है उसको वापस करने के लिए। अब आ जाते हैं अनसाउंड माइंड के ऊपर। अनसाउंड माइंड हमने पहले भी, मैंने पहले भी डिस्कस किया इस चैप्टर को शुरू करने से पहले। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है द पर्सन हु इज मेंटली नॉट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्ट्स, वो अनसाउंड माइंड के अंदर आता है। हु इज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड, ये आप सिंपल समझ सकते हैं, अ पर्सन इज सेट टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ द एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट एज टू इट्स अफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन साउंड है या अनसाउंड है उसको कैसे पता लगा सकते हैं, अगर वो पर्सन किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी डील को अच्छे से समझ पा रहा है, उसके ऊपर डिसीजन ले पा रहा है, एंड ही नो व्हाट हिज इंटरेस्ट, हिज और हर इंटरेस्ट आर, अगर उसको पता है कि उसके इंटरेस्ट क्या है और वो एक डिसीजन ले पा रहा है, तो ही इज ऑफ साउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो होगा जो डिसीजन नहीं ले पाता। जैसे कि इसी का अगर वाइस वर्सा कर दें, इसका आप अपोजिट कर दें, तो अनसाउंड माइंड के अंदर आ जाएगा। पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मे टेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड मे नॉट टेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ। तो इसमें यह भी बताया गया है कि एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड में है वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स को ले सकता है, बट वो तब ले सकता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं बट नॉट ऑल द टाइम। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लें कि किसी को फिट्स फिट्स पड़ते हैं, यानी दौरे अगर पड़ते हैं, तो वो पर्सन मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल होता है, वो साउंड होता है अपने माइंड से, बट किसी किसी टाइम पे वो अनसाउंड हो जाता है जब उसको फिट्स होते हैं। तो ऐसे पर्सन भी किसी कॉन्ट्रैक्ट को ले सकते हैं, किसी एग्रीमेंट को कर सकते हैं, बट ओनली व्हेन दे आर ऑफ साउंड माइंड, जब वो बिल्कुल साउंड है, बिल्कुल ठीक है, व्हेन दे आर नॉट सफरिंग फ्रॉम फिट्स। ये एक फिट्स एक एग्जाम्पल है। ऐसी बहुत सारी मेंटल इलनेस होती हैं जो हो सकती हैं, जो टेम्परेरी हो सकती हैं, जो कुछ टाइम के लिए हो सकती हैं। तो जब आप एक साउंड माइंड में हैं, जब आप इफ यू आर हैविंग फिट्स आफ्टर 30 डेज, या मतलब कभी भी, एक साल में एक बार हो जाता है, तो बाकी डेज में आप एक एग्रीमेंट को कर सकते हैं, और एग्रीमेंट जो आप करते हैं उसके लिए आप लायबल भी हैं, यानी कि आप अगर उसमें लॉस होता है तो भी आप लायबल हैं, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी आप लायबल हैं। तो साउंड और अनसाउंड का मतलब ये होता है, इस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, हिज एबिलिटी टू परफॉर्म अ रैशनल जजमेंट, रैशनल जजमेंट लेना। अब अगर एक एग्जांपल पढ़ के देखें इसमें से, अ पेशेंट इज ऑफ ल्यूनेटिक असाइलम, ये भी एक मेंटल इशू है, ल्यूनेटिक असाइलम, हु इज ऑफ इंटरवल्स ऑफ साउंड माइंड मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स, यानी कि वो किसी कुछ इंटरवल्स में साउंड रहता है और ठीक रहता है, और कुछ इंटरवल्स में कभी कभी वो अनसाउंड हो जाता है। तो जिस इंटरवल्स में वो साउंड है, यानी कि उसका माइंड ठीक है, वो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट को कर सकता है। अब बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब क्या होता है, ये अगर हम पढ़ें, तो वेयर द पर्सन इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, द बर्डन ऑफ प्रोवाइडिंग दैट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट लाइज ऑन द पर्सन हु चैलेंजेस द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कहने का मतलब ये है, बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि अगर हम कोई ए पर्सन बी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, जो ए पर्सन है वो अनसाउंड माइंड हो जाता है कभी कभी, तो जब वो उस किसी भी केस में अगर उस डील में कोई एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, और ए पर्सन क्लेम कर रहा है कि दैट व्हेन ही हैव मेड अ कॉन्ट्रैक्ट ही वाज ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो अनसाउंड माइंड था, तो ये बी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सेकेंड पर्सन है जिसके साथ डील हुई थी, कि वो प्रूव करे कि वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अनसाउंड था कि साउंड माइंड में था।
तो ये आ जाता है बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर, कि आपको प्रूव करना है इफ दैट पर्सन वाज एट ऑफ साउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इफ द पर्सन वाज ऑफ अनसाउंड माइंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर है, अगर बर्डन ऑफ प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो। अब उसके बाद आता है पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट बाय अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसके एग्रीमेंट्स की क्या पोजीशन होगी, उसके एग्रीमेंट्स का क्या मतलब होगा। इसमें कुछ लोग बताए गए हैं, यानी कि ल्यूनेटिक्स बताए गए हैं जो मेंटली इल होते हैं, इडियट्स बताए गए हैं जिनका माइंड परमानेंटली अनसाउंड होता है, उनको इडियट्स बोलेंगे हम, इडियट्स इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है। उसके बाद ड्रंकन एंड इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, यानी कि जो ड्रंकननेस, यानी कि जो किसी भी नशे के टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन के अंदर आएगा। तो अगर इसमें हम पढ़ें तो ल्यूनेटिक्स, अगर कोई कोई एग्रीमेंट करते हैं, ल्यूनेटिक इज अ पर्सन हु इज मेंटली डीरेंज्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन, वो मेंटल स्ट्रेन की वजह से मेंटल इशू है उसको। हाउएवर ही हैज सम, किसी किसी इंटरवल्स पे वो ठीक रहता है उसका माइंड। ही इज नॉट लायबल फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू व्हाइल ही वाज ऑफ, तो जो हम अब तक बात करते आए हैं वही बताया गया है इसमें भी, कि किसी भी एग्रीमेंट में अगर किसी ल्यूनेटिक ने, यानी कि हु हैव अनस्टेबल माइंड, समटाइम्स कभी कभी उसका माइंड अनस्टेबल होता है, और उस उन अनस्टेबल माइंड के टाइम पे उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एट ऑल। उसके बाद अगर कोई इडियट है, इडियट का मतलब यहाँ पर बताया गया हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड एट ऑल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि वो हमेशा के लिए अनसाउंड है, वो हु इज नॉट कैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन। अगर ऐसा पर्सन कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में क्या है, तो उसमें एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने इंदर सिंह और परमेश्वरी सिंह का, परमेशवरधारी सिंह का, अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹25,000 वाज एग्रीड टू बी सोल्ड बाय अ पर्सन फॉर ₹7,000, यानी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को जो प्रॉपर्टी जिसका रेट 25,000 था उसको 7,000 में ही सेल करने का एग्रीमेंट कर लिया। हिज मदर प्रूव दैट ही वॉज ऑफ कंजेनियल इडियट, यानी कि उसकी मदर ने, जिसने एग्रीमेंट किया था उस प्रॉपर्टी का कम अमाउंट में, कंजेनिटल इडियट वो होते हैं जो परमानेंटली डिसेबल होते हैं किसी भी एक किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, तो उनकी उसकी मदर ने प्रूव कर दिया कोर्ट ऑफ लॉ में कि जो उनका उसका सन था वो एक इडियट है, यानी कि हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड है, और इस अनसाउंड माइंडनेस की वजह से उसने वो डील 7,000 में कर दी जो 25,000 की प्रॉपर्टी थी। तो इस वजह से कोर्ट ऑफ लॉ ने उस जो एक एग्रीमेंट था उसको वॉइड माना। जस्टिस सिन्हा थे of Patna High Court stated that it is not necessarily that man must be suffering from lunacy to disable him from entering into the contract. A person may to all appearances behave in a normal fashion but at the same time he may be incapable of forming judgment. यानी कोई बंदा जो normal भी है दिखने में, वो बंदा ऐसा हो सकता है कि वो judgment ना कर पाए, वो capable नहीं है, वो एक idiot है। Of his own एज टू वेदर, तो इस केस को, इस जजमेंट को माना गया, वो उस पर्सन को इनकैपेबल माना गया कि ही वॉज इनकैपेबल ऑफ टेकिंग डिसीजन, इसको डिसमिस कर दिया गया। ड्रंकन और इंटॉक्सिकेटेड का मतलब वही होता है, अ मैन हु हैव टेकन सम काइंड ऑफ मटीरियल, टॉक्सिक मटीरियल, हु इज नॉट बिहेविंग लाइक अ नॉर्मल पर्सन, उसका माइंड काम नहीं कर रहा है। तो पार्शियल और ऑर्डिनरी ड्रंकनेस इज नॉट सफिशियंट टू अवॉइड अ कॉन्ट्रैक्ट, इट मस्ट बी क्लियरली शोन दैट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द, यानी कि अगर कोई ड्रंक पर्सन है और उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो, और नाउ ही इज डिनाइंग दैट उसने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था, या फिर वो बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट उसने नशे में किया था, तो सेकेंड पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोर्ट ऑफ लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रूव दैट एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट ही वॉज कम्प्लीटली ड्रंक, ही वॉज इंटॉक्सिकेटेड एंड टेम्परेरीली डिप्राइव्ड ऑफ रीजन एंड वॉज नॉट इन द पोजिशन टू गिव अ वैलिड कंसेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक था और ही वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू हैव अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर ऐसा वो प्रूव कर देते हैं तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा, पार्शियल ड्रंकनेस में वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जा सकता है। तो पर्संस डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ का मतलब क्या होता है, कि जो लोग लॉ, हमारे लॉ के अंडर आते ही नहीं है, जैसे कि एलियन, इसमें एक टर्म बताई है एलियन एनिमी, तो अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमारी कंट्री का नहीं है
जो फॉरेन कंट्री से आया है, जिसके ऊपर हमारे लॉज नहीं लगते हैं, तो उस पर्सन को एक एलियन माना जाएगा, जैसे कि इसमें बताया गया है एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी, अ पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री। उस कॉन्टेक्स्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसके ऊपर इंडियन लॉज लागू नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एलियन फ्रेंड और अ फॉरनर हुज कंट्री इज टू एट पीस विद द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि जिसकी कंट्री हमारे साथ वॉर पे नहीं है, पीस में है, ऑफ इंडिया आर वैलिड सब्जेक्ट टू सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, उनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगा सकते हैं, बट ही कैन नॉट एक्वायर प्रॉपर्टी इन इंडियन शिप और बी एम्प्लॉयड और एज मास्टर और एनी अदर चीफ ऑफिसर ऑफ सच ए शिप। तो इसमें एक एग्जाम्पल शिप का लिया गया है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी एलियन फ्रेंड के साथ किया जाता है, यानी कि एक फॉरनर के साथ किया जा सकता है जाता है, तो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती हैं, बट मेजरली उसको जो मेजर पोजीशंस हैं किसी भी जगह की वो नहीं दी जा सकती, यानी कि उसे चीफ नहीं बनाया जा सकता किसी जगह का, उसे एज अ एलियन फ्रेंड माना जाएगा। ही कैन नॉट बी अ मास्टर ऑफ एनी अदर चीफ ऑफिसर ऑफ सच अ शिप, किसी भी शिप का वो चीफ ऑफिसर नहीं बन सकता। एक शिप का एग्जांपल लेके बात करिए। अगर एलियन एनिमी की बात करें, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो फॉरनर है, जो हमारा एनिमी है, यानी कि उसकी हुज कंट्री इज एट वॉर विद रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारी कंट्री के साथ उसकी कंट्री वॉर पर है। द पोजिशन में बी स्टडीड अंडर टू हेड्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग द वॉर, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर, ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द वॉर, एन एलियन कैन नाइदर कॉन्ट्रैक्ट विद द इंडियन सब्जेक्ट नॉर कैन बी स्यूड इन द इंडियन कोर्ट, यानी कि अगर दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, इंडिया और किसी एक कंट्री के बीच में वॉर हो रहा है, और वहां का सिटीजन यहाँ पर कोई लॉ को तोड़ता है, किसी लॉ को तोड़ रहा है, तो ड्यूरिंग द सबसिस्टेंस ऑफ द वॉर द एलियन कैन नाइदर कॉन्ट्रैक्ट, वो कौन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता है, और जो इंडियन लॉ है उसके हिसाब से हम उसको वी कैन नॉट गिव हिम एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट एट द टाइम ऑफ वॉर एक्सेप्ट द लाइसेंस फ्रॉम, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है किसी कॉन्ट्रैक्ट को लेने में, तब वो उस जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, नहीं तो वो नहीं कर सकता। उसके बाद अगर पढ़ें फॉरेन सर्वेंट्स एंड एम्बेसडर्स, जो फॉरेन एम्बेसडर्स होते हैं हमारे यहाँ पे, वो पर्सन्स क्या डिस्क्वालिफाइड होते हैं लॉ के हिसाब से, वो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो फॉरेन सर्वेंट्स होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं और एम्बेसडर्स होते हैं, वो जो लोग होते हैं वो बहुत सारी क्योंकि वो एलाइट मेंबर्स होते हैं, उनके पास बहुत सारी फ्रीडम होती है हमारे यहाँ, उनके उनको हम डायरेक्टली कोई भी एक पर्सन उनके ऊपर उन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं दे जा सकता, उसी बारे में इसमें बताया गया है। अगर इसमें से एक लाइन पढ़ें, दे कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट्स, वो कॉन्ट्रैक्ट्स में आ सकते हैं, एनफोर्स दोज कॉन्ट्रैक्ट्स इन आवर कोर्ट्स, बट दे कैन नॉट बी प्रोसीडेड अगेंस्ट इन कोर्ट विदाउट द सेंक्शन ऑफ द, यानी कि उनके ऊपर कोई भी सेंक्शन नहीं लगाया जा सकता। वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं, बट उनके ऊपर कोई भी सेंक्शन नहीं लगा जा सकता जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अप्रूव नहीं करेगी। तो जितने भी बाहर के एम्बेसडर्स हैं उनके ऊपर अगर कोई भी सेंक्शन लगाना है, यानी कि उनके ऊपर अगर कोई भी एक कॉन्ट्रैक्ट है और उनके ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का या कोई एक लॉ, अगर आपको कोई एक उनके ऊपर फाइल करना है, कोई केस फाइल करना है, तो यू हैव टू हैव द सेंक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सच पर्सन्स। तो इसमें कुछ एक्ट्स बताए गए हैं, कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट, स्टेचुरी कॉरपोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्ट्स एक बार आप इनको पढ़ सकते हैं। ये इसी के बारे में है कि पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड, कौन से पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, उन्हीं को समझाया गया है इन दोनों एक्ट्स के अंदर, कंपनी अंडर कंपनी एक्ट और स्टेचुरी कॉरपोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, इन दोनों को बताया गया है। तो यूनिट जो हमारी 7 है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है, यूनिट यूनिट 3 सॉरी जो है वो यहाँ पर कैपेसिटी ऑफ पार्टीज खत्म हो जाती है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज को अगर हम सम अप करें नेक्स्ट चैप्टर पे जाने से पहले, तो मैं एक बार दोबारा से सम अप कर देता हूँ जिससे आपको याद रहे। तो हमने इसके अंदर पढ़ा कि कंपिटेंट पर्सन कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो हमने पढ़ लिया। माइनर कौन होता है, मेजर कौन होता है, अगर कोई माइनर उसका गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस केस में क्या लॉ एप्लीकेबल है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। माइनर कौन है, एग्रीमेंट अगर मेजर का उसके कोई माइनर का अगर कोई एक गार्जियन करता है, गार्जियन लॉ गार्जियन करता है, किस केसेस में माइनर लायबल है प्रॉफिट्स के, किस केसेस में माइनर लायबल है वह रीपे करने के, ये सारी चीजें हमने पढ़ी।
उसके बाद आपने पढ़ा कि साउंड माइंड, अगर पर्सन कौन है जो जिसका माइंड साउंड होता है, या कौन सा माइंड है जो अनसाउंड होता है, ल्यूनेटिक्स कौन होते हैं। ल्यूनेटिक्स वो होते हैं, हमने पढ़ा कि जो कभी कभी कुछ इंटरवल्स पे अनसाउंड रहते हैं, बाकी इंटरवल्स पे साउंड रहते हैं। उसके बाद हमने इडियट्स पढ़ा, इडियट एक टर्म थी जो हु आर ऑलवेज ऑफ अनसाउंड माइंड, जो हमेशा के अनसाउंड माइंड में रहते हैं वो इडियट्स होते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा हमने, बर्डन ऑफ प्रूफ है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द पर्सन यू हैव हैड एन एग्रीमेंट वो अनसाउंड माइंड का था, इसलिए ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसमें आता है। पोजीशन ऑफ एग्रीमेंट विद पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर किसी अनसाउंड माइंड वाले पर्सन के साथ आपने एग्रीमेंट किया तो उस केस में क्या होगा, इसके हमने एप्लीकेशन भी पढ़ी कि कौन कौन से केस में अनसाउंड माइंड वाले पर्सन लायबल हो सकते हैं, अनलायबल हैं। और पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, हमने लास्ट टॉपिक अभी जो पढ़ा था लेटेस्ट, कौन से पर्सन लॉ से डिस्क्वालिफाइड है, हमने उसके अंदर एलियन फ्रेंड एक टर्म पढ़ी, एलियन एनिमी एक टर्म पढ़ी। उसके बाद हमने टर्म पढ़ी जो फॉरन हमारे जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, जो फॉरेन ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे इंडिया में काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, हमारी कंट्री में, वो लायबल हैं कि नहीं है। अगर वो उनके उनके ऊपर आपको कोई एक एक्शन लेना है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा, वो तभी आप एक कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे उनके ऊपर कोई एक्शन ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी इस यूनिट में, यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 के अगर किसी भी पार्ट में किसी को समझ ना आया हो तो वो लास्ट में या अभी भी पूछ सकता है। हम यूनिट 4 इसके बाद शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट ब्लॉक भी आज हम पढ़ लें, क्योंकि वी हैव ओनली 4 डेज, आई थिंक 4 डेज और 5 डेज। तो विल बी स्टार्टिंग यूनिट 4 इन जस्ट अ मोमेंट, आई विल ओपन द यूनिट फर्स्ट। यूनिट 3 में मुझे लगता है किसी को कोई इशू नहीं है आप दोनों में से, तो हम यूनिट 4 को शुरू करते हैं। यूनिट 4 का है जो एक टॉपिक है वो है फ्री कंसेंट। तो फ्री कंसेंट का अगर हम एक ओवरव्यू लें, फ्री कंसेंट का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हाट इज बर्डन ऑफ प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे व्हाट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, व्हाट इज डोमिनेशन ऑफ विल, व्हाट इज इफेक्ट ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड क्या होता है, फ्रॉड हमने पिछली यूनिट में भी थोड़ा सा पढ़ा था, साइलेंस अगर है तो वो फ्रॉड है क्या, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड क्या है, मीनिंग ऑफ कंसेंट क्या है। तो कंसेंट का मतलब अगर आप वर्ड से ही समझें तो कंसेंट का मतलब होता है कि किसी को अपना एक कंसेंट देना कि आप किसी चीज के लिए एग्री करते हैं, तो वो कंसेंट के अंदर आता है। तो अगर नॉर्मली कंसेंट की ये डेफिनेशन हम पढ़ें, देखिए कंसेंट की डेफिनेशन मैंने गूगल पे आपको अगर शेयर आप देख पा रहे हो, तो कंसेंट का मतलब होता है टू एग्री टू समथिंग, टू अलाउ समथिंग टू हैपन। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अगर फर्स्ट पर्सन ने एक ऑफर मेड किया है और सेकंड पर्सन ने उसको हाँ कर दिया है, एग्री कर दिया है उस चीज पे, यानी या अगर हम ऑफर की ही बात ना करें, अगर हम बात करें एक नॉर्मल एक सजेशन देने की, एक नॉर्मल हम आम जिंदगी में भी, अपनी लाइफ में भी, लाइफ टाइम में भी बहुत बार ऐसा होता है कि टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर फैमिली वी यूज टू गिव सजेशंस। मैं एक सजेशन देता हूँ अपने फैमिली मेंबर को, अपने फ्रेंड को, दैट यू हैव टू डू समथिंग, या यू इफ यू डू समथिंग यू विल हैव अ गुड
यू विल हैव अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। अगर मैंने अपने फ्रेंड को एक सजेशन दिया कि आप ऐसे अगर काम करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और उस फ्रेंड ने उस चीज को मान लिया, उससे एग्री कर दिया, तो वो एक कंसेंट होता है। ये एक सिंपल टर्म्स में अगर कंसेंट को समझे हम, तो अब कंसेंट का मीनिंग अगर हमें पता चल गया है तो हम अपनी ब्लॉक शुरू करते हैं। अब कंसेंट के बाद मीनिंग ऑफ कंसेंट हो गया, तो कंसेंट के अंदर क्या क्या हमारे टॉपिक्स हैं, क्या क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ कंसेंट हमने पढ़ा, अभी गूगल पे पढ़ा, अगर हम इसमें से डेफिनेशन लें तो हम इसमें से पढ़ते हैं। तो कंसेंट एज टू और मोर पर्सन आर सेड टू हैव कंसेंट विद व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। यानी कि मैंने कोई एक सजेशन दिया, उसी सेंस में मेरे एक फ्रेंड ने उस सजेशन को एक्सेप्ट कर लिया, एग्री कर लिया, तो दैट इज अ कंसेंट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री कंसेंट का क्या मतलब है, और अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, लॉज की बात कर रहे हैं, तो हर चीज कॉन्ट्रैक्ट पर आकर ही शुरू होगी। कंसेंट को भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर हम समझें, फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड इट इज नॉट इनफ दैट द पार्टीज हैव गिवन देयर कंसेंट, द कंसेंट शुड ऑल्सो बी फ्री, दैट इज इट हैज बीन बाय द फ्री विल ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्विंग नो प्रेशर यूज ऑफ फोर्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यानी कि जो हमारा एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या स्टेट करता है कि अगर दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जो कंसेंट हुई है, यानी कि ए और बी या मेरे और आपके बीच में कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड वी हैव एग्रीड टू दोज टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वी हैव एग्रीड टू दैट ऑल द कंडीशंस ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में क्या होता है कि ये जरूरी है कि जो कंसेंट हुई है दोनों के बीच में वो फोर्स से नहीं हुई है, यानी कि आपको किसी ने थ्रेटन नहीं किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, आपको किसी ने मेंटली फोर्स नहीं किया है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, आप मेंटली भी फ्री थे, किसी का इन्फ्लुएंस नहीं है, किसी ने आपको प्रेशराइज नहीं किया है। बहुत से केसेस में हम देखते हैं कि लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक फैमिली की बात करें तो ऐसा कई बार होता है कि दैट द पेरेंट्स यूज टू प्रेशराइज देयर चिल्ड्रंस फॉर डूइंग एनीथिंग, तो वो भी एक टाइप का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें पेरेंट्स ने अपने बच्चों को फोर्स किया किसी चीज को करने के लिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि फोर्स वॉज टेकन इन टू एक्शन इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, इसको बिजनेस में आप अप्लाई करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो कंसेंट फ्री कब होती है, उसके दो चार पॉइंट्स बताए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन, मिस्टेक। यानी कि अगर कोई फ्रॉड से आपको कुछ कोई बात बताता है जो फ्रॉड है और उसके बाद कंसेंट होता है दो लोगों के बीच में, यानी कि आप एग्री करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं है। अगर फ्रॉड से आपके साथ कोई कंसेंट किया जाता है तो भी वैलिड नहीं है। कुछ फैक्ट्स को मिस इंटरप्रेट किया जाता है, यानी कि कोई चीज है कुछ और बताई कुछ और गई है, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, वो कंसेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि हम कंसेंट की बात कर रहे हैं, तो दो लोगों का वो कंसेंट वैलिड नहीं है क्योंकि मिस इंटरप्रेट की थी इंफॉर्मेशन को। या अगर दोनों से ही मिस्टेक हो जाती है, जो सेलर है या बायर है उन दोनों से ही मिस्टेक हो जाती है, सेलर को भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, ब्रायर को भी नहीं है, तो उस केस में भी जो कंसेंट हुआ है दोनों के बीच में वो वैलिड नहीं होगा, ये इसमें बताया गया है। तो इसमें जैसे कि अगर आप इस सिर्फ डायग्राम को ही अगर याद रख लेते हैं तो आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। कंसेंट के अंदर कोर्शन भी वॉइडेबल है, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी वॉइडेबल है, यानी कि किसी ने इन्फ्लुएंस किया है आपको, फ्रॉड भी वॉइडेबल है, यानी कि वॉइड हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, मिस इंटरप्रिटेशन, मिस्टेक, सब कुछ वॉइडेबल हैं, यानी कि ऐसे जितने भी हमारे कंसेंट हैं वो वॉइडेबल हैं, ऐसे केस में किया गया कंसेंट वैलिड नहीं है। अब कोर्जन की हम बात कर रहे हैं बहुत देर से, तो कोर्जन है क्या, तो कोर्जन को पढ़ते हैं। कोर्जन मीन्स इज फोर्सिबली कंपेलिंग अ पर्सन टू एंटर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी पर्सन को फोर्स करना किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने को लिए, वो कोर्जन है। द कंसेंट ऑफ द पार्टी इज ऑब्टेन्ड बाई यूज ऑफ फोर्स और अंडर द थ्रेट, सेक्शन 15 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कोर्जन। यानी कि हमारे सेक्शन 15 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है हमारा इंडियन लॉ के अंदर, उसके अंदर सेक्शन 15 के अंदर कोर्जन को भी डिफाइन किया गया है। द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पीनल कोड,
the unlawful detaining or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatever with the intention of causing any person to enter into agreement. तो किसी भी पर्सन को एक एग्रीमेंट में लाने के लिए, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि आपको एक पीस ऑफ लैंड अच्छा लगा और आप एक एक पावरफुल पर्सन हैं और आप क्योंकि उस लैंड को आपको किसी भी हालत में एट एनी कॉस्ट आपको वो एक लैंड को परचेज करना है, बट द पर्सन इज नॉट विलिंग टू सेल दैट लैंड. आप उसको थ्रेटन करते हैं उस लैंड को खरीदने के लिए, उसको एग्रीमेंट उसका कंसेंट लेने के लिए आप उसको थ्रेटन करते हैं, उसकी फैमिली को थ्रेटन करते हैं, उसको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं कि वो किसी भी तरह उस लैंड पीस ऑफ लैंड को बेच दे. तो क्योंकि थ्रेटन करना किसी को मेंटली डिस्टर्ब करना अकॉर्डिंग टू आवर लॉज, आवर इंडियन लॉ, ये लॉफुल नहीं है, ये एथिकल नहीं है. तो ऐसा जितना भी जो अगर कोई ऐसे करता है तो वो कोर्जन माना जाएगा और उसके ऊपर इंडियन लॉज हैं, उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा. तो कमिटिंग एनी एक्ट फॉरबिडन बाय द इंडियन पिनल कोड का एग्जांपल वही है जो मैंने अभी बताया, क्योंकि इंडियन पिनल कोड के हिसाब से किसी को हर्ट करना, डिफेम करना, उसको उसको किडनैप करना, यहाँ पे जैसे बताया मर्डर करना, हर्ट करना, यानी कि अगर आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करके, रेप करके, डिफेमेशन करके, थेफ्ट करके आपके साथ कोई कंसेंट करता है तो इंडियन पिनल कोड में उसकी सख्त से सख्त सजाएँ हैं. एंड दैट कंसेंट इज नॉट वैलिड एट ऑल, यू विल बी पनिश्ड फॉर दोज for any kind of things that is done using these kind of activities. तो इसमें एक example भी बताया गया, A beats B, एक A है जिसने B को beat किया, यानी कि उसको मारा अपना scooter sell करने के लिए 2000 में. तो ये एक example है coercion का, क्योंकि इसमें force use करी गई है किसी को मनवाने के लिए. इसमें एक कोर्ट का एग्जांपल भी दिया गया है, रंगनया कमा वर्सेस अलवर सेती का, जिसमें यही एग्जांपल दिया होगा कोर्जन का. उसके बाद थ्रेटनिंग टू कमिट एनी फॉरबिडन बाय इंडियन पिनल कोड, यानी कि अगर एक बंदा है वो आपको किसी को मर्डर करने के लिए, अगर हम मर्डर का एग्जांपल लें, मर्डर करने के लिए फोर्स करता है या उसे करने के लिए पैसे देता है आपको, इफ ए इज गिविंग मनी टू बी और उसके लिए वो थ्रेटन कर रहा है आपकी, आपको इंजर कर रहा है, आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि वो इंडियन पिनल कोड के हिसाब से फॉरबिडन है, तो ये भी एक एक्ट है जिसमें आप कोर्जन इसके ऊपर वैलिड होगा और आपके इंडियन पिनल कोड के हिसाब से आपके ऊपर एक्शन होगा. अनलॉफुल डिटेनिंग ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी ले चुके हैं प्रॉपर्टी के ऊपर. अगर आप जबरदस्ती किसी की प्रॉपर्टी को ले लेते हैं या थ्रेटन करके किसी की प्रॉपर्टी को लेते हैं तो अनलॉफुल डेट, ये भी एक कोर्जन है. उसके बाद कोर्जन के ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन एंटर टू एनी, किसी पर्सन को जबरदस्ती किसी एग्रीमेंट में एंटर करवाना भी कोर्जन है. वेदर द एक्ट ऑफ कोर्जन इज डायरेक्टली डायरेक्टेड अगेंस्ट द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन in whose welfare the promisor is interested, the consent will not be free. ऐसा कोई भी जो भी कोई ऐसा consent है जो coercion के रूप में लिया गया, coercion मतलब forcefully या बहुत सारे जो हमने ऊपर बात की murder, rape and all theft के जबरदस्ती करके आपके ऊपर कोई एक law, एक agreement किया गया, ऐसा कोई भी जितना जो भी agreement होंगे वो कंसेंट फ्री नहीं माना जाएगा. दैट कंसेंट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फ्री. फ्री का मतलब है कि वो कंसेंट फोर्स से लिया गया है और दैट कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट बी वैलिड एट ऑल. और उसके जो हिसाब से इंडियन पिनल कोड के हिसाब से जो पनिशमेंट बनती है वो भी दी जाएगी इन दीज काइंड ऑफ केसेस. अब थ्रेट टू फाइल अ सूट, तो थ्रेट टू फाइल अ सूट का मतलब होता है sometimes a doubt may arise whether the threat to file a suit amounts to coercion or not. You should know that threat to file a civil or criminal suit does not amount to coercion or not. तो कहने का मतलब ये है कि अगर दो persons के बीच में एक contract होता है या एक agreement होता है, but क्योंकि at the time of contract or agreement या करने के बाद A को पता चलता है कि B ने जो agreement किया है वो गलत तरीके से किया है, तो A उसको B को थ्रेट करता है, यानी कि उसको डराता है दैट आई विल फाइल अ सूट, एक 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 मैं केस कर दूंगा B तुम्हारे ऊपर क्योंकि तुमने मेरे साथ फ्रॉड किया है. तो ये थ्रेटनिंग जो हमने अभी दी, इस केस में जो जो इस केस में हम जो
तरीका अपनाएगा उसको कोअर्जन नहीं कहेंगे। क्यों कोअर्जन नहीं कहेंगे? क्योंकि इसमें ऑलरेडी बी ने एक फ्रॉड किया था और इंडियन लॉ के हिसाब से अगर किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप उसको कोर्ट में आप उसको ले जा सकते हैं, आप उसको कोर्ट में यू कैन अप्लाई फॉर अ केस इन द कोर्ट। तो इस थ्रेट को कोअर्जन नहीं माना जाएगा। थ्रेट टू फाइल अ लॉ सूट इज नॉट अ कोअर्जन, ये आप सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं। थ्रेट्स टू कमिट अ सुसाइड, तो अगर आप सुसाइड करने का एक थ्रेट देते हैं तो वो कोअर्जन है कि नहीं? थ्रेट टू कमिट अ सुसाइड इज नॉट पनिशेबल बट एन अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड इज पनिशेबल। मतलब अगर आप थ्रेट ही दे रहे हैं सिर्फ कि मैं सुसाइड कर लूंगा इफ अगर आप एग्रीमेंट में नहीं आते तो ये पनिशेबल नहीं है, पर अगर आप सच में कोई आपको किसी के इन्फ्लुएंस में आके इफ यू आर कमिटिंग सुसाइड तो वो पनिशेबल है, ये नॉर्मली आप सबको भी पता है। एंड दैट पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सुसाइड विल बी टेकन एक्शन अगेंस्ट। अब कोर्जन के अफेक्ट्स क्या होते हैं ये सारे हम पढ़ सकते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ हमने ऑलरेडी पिछली यूनिट में पढ़ लिया था कि प्रूव करना, अब इसको कोर्जन के रूप में अगर हम समझे तो किसी ने आपको थ्रेट देके किसी ने आपसे काम करवाया या कोई एग्रीमेंट किया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ का उस केस में क्या मतलब है? पिछले जो चैप्टर हमने बर्डन ऑफ प्रूफ टर्म पढ़ी थी वो पढ़ी थी कि आपको प्रूव करना है कि एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट दैट पर्सन वाज ऑफ अनसाउंड माइंड। उस टाइम हम माइंड की बात कर रहे थे, जस्ट
तो शुरू करते हैं। एक्चुअली आई हैड सम इम्पोर्टेंट कॉल टू टेक। तो हम बात कर रहे थे अनड्यू बर्डन ऑफ प्रूफ की, हमने बात की थी उसमें, अनसाउंड माइंड के केस में बात की थी। इस केस में हम बात करेंगे कोर्जन के केस में, कि अगर आप दो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है तो, और ए इज, अगर कोई ऐसा पर्सन है वो डिनाई कर रहा है कि मैंने थ्रेट नहीं किया था या फिर मैंने किसी फोर्स से एग्रीमेंट नहीं किया था, तो वो वहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा दैट द पर्सन और द पार्टी हु हैड एन एग्रीमेंट विद यू वो फोर्सफुली हुआ या फिर किसी थ्रेट के कारण हुआ, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आ जाता है। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज एज सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट ही विल ऑफ अदर यूजेस दैट द पोजिशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर। तो ये हमने पहले भी बात की, एक लैंड का केस जो हमने लिया था, एक एग्जाम्पल लिया था, जिस केस में दो पार्टीज में से एक पार्टी स्ट्रॉन्गर है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक नॉर्मल एक एग्जांपल लें अगर अपने एनवायरनमेंट में, तो एक एक पॉलिटिशियन और एक एक जनरल पर्सन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, इफ दैट पॉलिटिशियन इज अनफेयर, वो पॉलिटिशियन अनफेयर है, उसके पास पावर है क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम, तो अगर उस पावर को यूज करके वो आपके किसी भी अनफेयर एडवांटेज लेता है और वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस करता है आपसे किसी भी चीज को लेने के लिए, किसी भी अगर लैंड की बात करें तो लैंड को लेने के लिए, किसी और चीज के लिए, तो वो आ जाता है अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर। तो अनड्यू इन्फ्लुएंस हम 4.5 में पढ़ रहे हैं, द डोमिनेंट पार्टी शुड हैव यूज्ड द पोजीशन टू ऑब्टेन द अनफेयर एडवांटेज ओवर द अदर। तो उस पार्टी ने एक अनफेयर एडवांटेज ली किसी से पोजीशन लेने के लिए। इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि ए वॉज सफरिंग फ्रॉम अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड बी वॉज ट्रीटिंग हिम, यानी कि कोई डॉक्टर है बी, वो ए को ट्रीट कर रहा है बाय हिज एक्सरसाइजिंग इन्फ्लुएंस, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, वो अपना एक इन्फ्लुएंस दिखा के, जबरदस्ती दिखा के उस ए को एक रिजनेबल अमाउंट मांगता है उससे कि आपको तो ये बीमारी भी है एंड यू हैव यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस काइंड ऑफ डिजीज, जो उसको है भी नहीं, बट वो क्योंकि एक मेडिकल डॉक्टर है वो अपना इन्फ्लुएंस दिखाकर उससे जबरदस्ती कुछ पैसे ले लेता है, ऑफ टेस्ट के पैसे ले लेता है। कई बार हम अपनी रियल लाइफ में भी इन चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं कि दैट आपको लगता है कि आपको वो एक बीमारी है भी नहीं, यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग, बट एक डॉक्टर सिर्फ अपने पैसे बनाने के लिए जबरदस्ती टेस्ट करवाता है, तो वो भी एक अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस के अंदर आ जाता है। प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ अ विल क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। तो यू हैव लर्न अबाउट द अनड्यू इन्फ्लुएंस, हमने पढ़ लिया, इज इन्वॉल्व ओनली व्हेन द पार्टी इज इन पोजिशन टू डोमिनेट अदर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज टू व्हेन कैन अ पर्सन बी सेड टू बी इन अ पोजिशन टू डोमिनेट the will of the other. Answer to this question is provided. He holds a real apparent authority. तो presumption of dominant domination of a will का मतलब ये है कि हमने ये तो पता कर लिया कि undue influence का मतलब क्या होता है, पर एक person undue influence कर भी सकता है कि नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे, वो आ जाता है presumption of domination of will के अंदर। सो ही होल्ड्स अ रियल और अपेरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। अगर वो एक अथॉरिटी मतलब अगर वो नॉर्मली एक पावरफुल पर्सन है, वो है कि नहीं है ये पता लगाना। ही मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी, यानी कि आप एक पर्सन एक ऐसे पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है जो मेंटली अनस्टेबल है, मेंटली इल है, तो वो भी आ जाता है प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल में, यानी कि क्योंकि जो जो मेंटली अनवेल है पर्सन, वो ऑटोमेटिकली वो डोमिनेंट नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक वीकर साइड में आ जाएगा, तो वो भी इसी केस में आएगा, प्रिजम्पशन ऑफ डोमिनेशन ऑफ विल के अंदर आ जाएगा। तो इसके अंदर भी बर्डन ऑफ प्रूफ वही है, बर्डन ऑफ प्रूफ बार बार जो भी टर्म्स आ रही है उसमें आपको प्रूव करना है कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट द अदर पर्सन वॉज ऑफ डोमिनेंट करेक्टर, वो डोमिनेंट करेक्टर में था, यानी कि जो दूसरा पर्सन था वो पावरफुल था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर वो आपको प्रूव करना है तो वो बर्डन ऑफ प्रूफ के अंदर आ जाएगा। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ को समझने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट्स विद परदानशीन वुमेन, परदानशीन वुमेन वो होती हैं जो जो वुमेन्स हमेशा के लिए, द वुमेन्स हु हैव डिक्लेयर्ड दैट दे विल नॉट मैरी एट ऑल, जो वुमेन्स अब कभी शादी नहीं करेंगी, जो और जो अगर सिंपल भाषा में बोले तो
the women who have declared that they will not enjoy all the amenities of the society, जो सबसे अलग थलग रहेंगी और जो जो societies offer करती है, जितने भी benefits offer करती है वो उनको नहीं उठाएंगी, वो एक normal, एक बहुत ही normal simple जीवन जिएंगी, वो आ जाती हैं पर्दानशीन women के अंदर। तो अगर उन वुमेन्स के अंदर कोई उनके उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो भी वो कॉन्ट्रैक्ट भी प्री एज्यूम किया जाएगा कि वो अंडू इन्फ्लुएंस थी, क्योंकि वो किसी भी एक एडवांटेज या फिर किसी भी सर्विस का फायदा नहीं उठाना चाह रही हैं, पर उनको साथ अगर कोई कोई ज़बरदस्ती कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो बाय कोर्ट ऑफ लॉ या बाय बाय लॉ ये माना जाएगा कि वो अंडू इन्फ्लुएंस में माना गया था, क्योंकि दोज वुमेन्स डोंट इवन वॉन्ट दोज फैसिलिटीज। तो ये केस भी पर्दानशीन वुमेन वाला केस भी अंडू इन्फ्लुएंस का एक एग्जाम्पल है। अब 4.7 पे अगर हम जाएं तो फ्रॉड क्या होता है, तो फ्रॉड एक सिंपल वर्ड्स में समझो, फ्रॉड मींस एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट और बाय एनी वन ऑफ द, तो किसी भी एक पर्सन के द्वारा किया गया कोई भी एक्ट जो किसी के किसी पर्सन को कन्विंस किया गया है किसी चीज के लिए जो एथिकल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, वो सब चीजें फ्रॉड के अंदर आएंगी। तो इसके अंदर अगर किसी पर्सन को एक इन्फ्लुएंस किया गया है किसी चीज के लिए, किसी उसमें अगर ये पॉइंट्स अगर हम आगे पढ़ें, द सजेशन एज टू अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट इज टू बी ट्रू। तो यानी कि अगर मैं हूं एक चीज को मैं सच मानता हूं और मैं क्योंकि मैं उस चीज को सच मानता हूं, ये जरूरी नहीं है कि वो चीज सच ही होगी, बट क्योंकि मैं सच मानता हूं तो मैंने किसी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको इन्फ्लुएंस किया कि ये चीज सच ही है, दैट दिस थिंग इज ट्रूथ, और आप क्योंकि ये चीज सच है तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ कर लीजिए, तो वो भी एक फ्रॉड के अंदर आएगा। अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मैंने एक प्रॉमिस कर दिया कि दैट आई विल गिव यू 10,000 rupees आफ्टर सम टाइम, बट मेरी ऐसी कोई इंटेंशन थी ही नहीं और ना मैं वो 10,000 आपको कभी दूंगा, बट क्योंकि आपकी वो 10,000 की नीड थी, आपने मेरे एक प्रॉमिस के चक्कर में यू हैव नॉट अरेंज दैट मनी फ्रॉम एनीवेयर एल्स। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई मेडिकल इश्यूज हैं और आपको मनी एकदम से चाहिए, बट क्योंकि मैंने प्रॉमिस कर दिया कि आप जाइए आप जाके डॉक्टर को दिखाइए एंड एट द टाइम ऑफ पेइंग द मनी आप मुझे फोन कर देना एंड आई विल पे यू दैट मनी, तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, मैंने झूठ बोल दिया, तो ये भी एक फ्रॉड का केस होता है। ऐसे ही चार पांच केस बताए गए हैं, सारे अलग अलग केसेस हैं जो फ्रॉड के केस हो सकते हैं। अब आगे अगर इसमें पढ़े, फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द अबव डेफिनेशन इट फॉलोज दैट द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉड, तो ये एलिमेंट्स अगर प्रेजेंट हैं तो फ्रॉड माना जाएगा। ये जो एलिमेंट्स अब बताए गए इनमें से अगर एक एलिमेंट पढ़े तो द फ्रॉड मस्ट बी कमिटेड विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी, फॉर एग्जाम्पल ए इंटेंडिंग टू डिसीव बी मेक्स अ फॉल्स स्टेटमेंट टू हिम दैट 100 यूनिट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ इन द फैक्ट्री, दो A is aware that only 75-80 units are produced every month. B is induced to buy the factory. Here B's consent is obtained by fraud. तो ये simple वो example मैंने अभी दिया था एक doctor के case में, ऐसे देने के case में वो बताया गया, वो A एक B person को या मैं किसी opposite person को ये बोलता हूँ कि मेरी factory में 100 pieces रोज बनते हैं, जबकि मुझे अच्छी तरह पता है कि 100 pieces नहीं बनते और मैं अपनी फैक्ट्री बेचना चाहता हूँ उसको, क्योंकि मैंने एक गलत इन्फॉर्मेशन दे के एक अपनी फैक्ट्री बेचनी चाहिए, तो ये एक फ्रॉड केस है। इस केस में भी ये फ्रॉड माना जाएगा, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी अवेयर दैट द अमाउंट आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन माय ऑर्गेनाइजेशन वाज 75 ओनली एंड आई हैव टोल्ड द अदर पर्सन दैट इट इज 100, तो ये भी एक फ्रॉड का केस है। ऐसे ही अलग अलग केसेस बताए गए हैं, अगर एक आधा और केस हम इसमें से पढ़े, तो द पार्टी एक्टिंग ऑन रिप्रेजेंटेशन मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस, इट इज अ कॉमन रूल दैट देयर कैन बी नो फ्रॉड विदाउट डैमेज एंड देयर कैन बी नो डैमेज विदाउट एनी इंजरी, द डैमेज और इंजरी मे बी इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इन द सम ऑफ फॉर्म। इसमें एक सिंपल बताया गया है, एक सिंपल डेफिनेशन दी गई है कि लॉस या फ्रॉड क्या होता है। कोई भी फ्रॉड जो है वो किसी डैमेज के बिना नहीं हो सकता, यानी कि अगर मैं फ्रॉड करूंगा तो ऑफकोर्स आपको कुछ डैमेज होगा। अगर हमने फैक्ट्री का ही एग्जांपल लिया था, तो मैंने अगर आपको एक फैक्ट्री भेज दी झूठ बोल के फ्रॉड करके,
तो क्योंकि आपके ऑलरेडी एम्बिशंस हैं, आपने आपने मुझसे एक फैक्ट्री खरीदी, आपको पता है कि उसमें 100 यूनिट्स बनती हैं, तो आपके एम्बिशंस हैं, आप उसी हिसाब से प्लानिंग कर रहे हैं, पर क्योंकि वो प्लानिंग पूरी नहीं होगी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू अ लाई। उसको जब आप उस चीज़ को खरीद लेते हैं, आपको पता चलता है वहाँ पे तो सिर्फ 75 ही यूनिट्स बनती हैं इन अ ईयर, इन अ डे, इन अ मंथ। तो क्योंकि आपके कमिटमेंट्स, आपने ऑलरेडी कुछ कमिटमेंट्स सामने किए हुए हैं अपने उन यूनिट्स को बेचने के, तो आपको एक डैमेज ऑफ लॉस, एक लॉस होगा, या तो मेंटली आप अनस्टेबल हो जाएंगे थोड़े टाइम के लिए, आप परेशान हो जाएंगे, या फिर आपको एक मॉनेटरी लॉस होगा। तो इसमें एक सिंपल डेफिनेशन दिए गई है कि नो फ्रॉड इज विदाउट डैमेज एंड नो डैमेज इज विदाउट इंजरी। ये आप एक कोट जो है वो याद रख सकते हैं, जिससे आप एग्जाम में इजीली लिख पाए उसको। अब अगर आ जाते हैं फ्रॉड में ही, साइलेंस का मतलब, साइलेंस का मतलब क्या होता है, और साइलेंस का मतलब दो लोगों के बीच में, अगर इसको अगर एक एग्जाम्पल से समझे, साइलेंस का फ्रॉड के में फ्रॉड से क्या रिलेशन है, तो दो लोग अगर एक एग्रीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक हॉर्स बेचना चाहता हूँ, मैंने आपको एक हॉर्स बेचने के लिए बोला कि दैट आई विल सेल यू अ हॉर्स एट ₹75,000, और आपने बिना किसी क्वेश्चन के उस हॉर्स को देखने के बाद आप एग्री कर गए कि हाँ आई विल बाय दिस हॉर्स, मैंने कुछ नहीं बोला एंड यू हैव नॉट आस्क्ड मी एनीथिंग, तो दैट डील इज टोटली वैलिड, वो फ्रॉड नहीं माना जाएगा। पर जब जबकि मुझे अच्छी तरह पता था कि मेरा जो हॉर्स है वो वेल नहीं है, वो ठीक नहीं है, तो ये क्योंकि मैं साइलेंट रहा, मैंने ये चीज़ नहीं बताई, एंड आई हैव सोल्ड यू दैट हॉर्स, और आपने भी उसके उसके उसको खरीदते टाइम या उसको बाय करते टाइम आपने मुझसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, आपने नहीं पूछा इफ दैट हॉर्स हॉर्स इज नॉट इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज या कुछ ऐसा, क्योंकि मैं साइलेंट रहा और आपने भी साइलेंटली डील को एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक फ्रॉड नहीं है, ये एक फ्रॉड में नहीं माना जाएगा। एक फ्रॉड कब माना जाएगा, अगर हम साइलेंस की बात करें, ये फ्रॉड तब माना जाएगा जब मैंने एक हॉर्स की डील की और आपने मुझसे सामने से एक क्वेश्चन आस्क किया कि ये जो जो हॉर्स आप मुझे बेच रहे हैं, द हॉर्स यू आर सेलिंग टू मी इज ऑफ, वो एक मेंटली साउंड है कि नहीं, वो हेल्दी है कि नहीं, इफ हिज ऑल फोर लेग्स आर वर्किंग और नॉट, आपने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछे और उसके बाद भी अगर मैं साइलेंट रहा, तो दैट साइलेंस इज टेकन टू बी एज फ्रॉड, क्योंकि आपने मुझसे पूछा था और मैंने साइलेंट रह के बताया और आप सामने वाले बंदे ने अज्यूम कर लिया कि क्योंकि ये साइलेंट है तो सारी चीजें ठीक ही होंगी, तो दैट विल बी टेकन एज फ्रॉड। पर अगर दोनों साइलेंट रहते हैं, आप भी उससे क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, दैट विल नॉट बी टेकन एज फ्रॉड। तो अगर इसमें एक दो पॉइंट्स हम पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ वेयर वन पार्टी हैज टू डिपेंड ऑन अपॉन द गुड फेथ ऑफ अदर, द अदर पार्टी इज बाउंड टू स्पीक, फॉर एग्जांपल ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन गुड फेथ एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रपोजर टू मेक द फुल डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल और फैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी, इफ एन एश्योर्ड कंसील्स द मटेरियल फैक्ट्स लाइक लॉन्ग इलनेस, इंश्योरेंस कंपनी कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ फ्रॉड। तो कहने की इन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी का एक एग्जांपल लिया है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको जब एक इंश्योरेंस बेचती है तो वो गुड फेथ पे बेचती है, यानी कि आपसे वो पूछती है कि आप हेल्दी हैं कि नहीं, और आप बोलते हैं कि आप परफेक्टली हेल्दी हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो टेस्ट भी नहीं करवाती है, आपको डायरेक्टली आपकी एज के हिसाब से आपको इंश्योरेंस बेच देती हैं, वो इसलिए बेच देती हैं कि वो एक गुड फेथ, वो मानती हैं कि आप जो बता रहे हैं वो सच बता रहे होंगे। पर अगर इस केस में आपने झूठ बोला उस इंश्योरेंस कंपनी से, और झूठ बोल के आपने वो इंश्योरेंस ले लिया, जबकि आपको पता था कि आप एक लॉन्ग बीमारी, एक लॉन्ग इलनेस से जूझ रहे हैं बहुत दिनों से, तो ये भी एक फ्रॉड का केस माना जाएगा। तो ये गुड फेथ में फ्रॉड करने का केस माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एब्सोल्यूट गुड फेथ। तो इंश्योरेंस कंपनी का आप एक एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जब आप गुड फेथ का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है इन द एग्जाम, When the silence is itself equivalent to speech, इसका मतलब क्या है कि silence speech के equivalent है। Sometimes the silence is equivalent to speech. In such cases, the silence of a person amounts to fraud. यही जो मैंने हॉर्स का एग्जाम्पल लिया था कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछे पर मैं साइलेंट रहा, तो आपने एज्यूम कर लिया कि वो फ्रॉड, वो हॉर्स ठीक ही होगा, तो ये एक फ्रॉड का केस है। कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ फ्रॉड के अंदर आ जाएगा कि क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं फ्रॉड करने के बाद। इसमें से अगर एक कॉन्सिक्वेंस हम पढ़े, वेयर द पार्टी वाज नॉट डिफ्रॉडेड, दैट इज द पार्टी गेव द कंसेंट ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द फ्रॉड,
यानी कि अगर किसी सामने वाली पार्टी ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हमें नहीं फर्क पड़ता अगर इसमें फ्रॉड भी है, तो वो ये सेकंड केस में बताया गया है, वेयर द पार्टी आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ द फ्रॉड टेक्स अ बेनिफिट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और फ्रेम्स द इट इज सम अदर वे। यानी कि अगर जब पार्टी को, सामने वाली पार्टी को पता चल जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वो अगर आपके ऊपर कोई, वो क्या डिसीजन लेती है, वो आपके ऊपर केस फाइल करती है या क्या नहीं करती है, तो वो उस पार्टी का एक एक डिसीजन मेकिंग है। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फ्रॉड है, आप पढ़ सकते हैं। वेयर द पार्टीज कैन नॉट बी रिसोर्ट टू ओरिजिनल पोजिशन। मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन भी एक नॉर्मल सी टर्म है। किसी भी चीज़ को मिस इंटरप्रेट करना, किसी भी फैक्ट्स को छुपाकर उनको गलत तरीके से बताना मिस इंटरप्रिटेशन होती है। अगर इसी को ही हम, क्योंकि हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसी को हम कॉन्ट्रैक्ट्स की टर्म्स में अगर एक एग्जांपल लेके बात करें, एग्जांपल इसमें बताया भी गया है, तो अगर हम इसी एग्जांपल को पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ए व्हाइल सेलिंग इज कार टू बी इन्फॉर्म्स दैट द कार रन्स 18 किलोमीटर पर लीटर। ए हिमसेल्फ बिलीव्स दैट, लेटर ऑन बी फाइंड्स दैट द कार रन्स 12 किलोमीटर पर लीटर। दिस इज अ मिस इंटरप्रिटेशन है बाय ए। इसका एग्जांपल हम ऑलरेडी ले भी चुके हैं कि मैं अगर कोई चीज़ बिलीव करता हूँ तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रू होगी। मैं ये बिलीव कर रहा हूँ कि मेरी गाड़ी 18 किलोमीटर पर लीटर भाग रही है या चल रही है, ये ज़रूरी नहीं है कि मेरा जो बिलीफ है वो ठीक ही होगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि वो गाड़ी, मुझे ऐसा लगता है 18 किलोमीटर पर लीटर चल रही है, बट दैट कार रन ओनली 10 किलोमीटर पर लीटर। तो अगर मैं सामने वाले को से ये बोलकर एक गाड़ी सेल करता हूँ और वो मेरे ऊपर बिलीव कर लेता है, तो ये एक मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है। रादर मुझे ये बोलना चाहिए कि ये गाड़ी एक अच्छा माइलेज देती है एंड यू कैन टेस्ट इट योरसेल्फ। ये एक मिस इंटरप्रिटेशन नहीं होगी। मिस इंटरप्रिटेशन तब है जब मैं अपनी मानने वाली चीज़ जो मैं मान रहा हूँ वो दूसरे को बता देता हूँ और उसको बिलीव करवा देता हूँ कि ये जो मैं बोल रहा हूँ फैक्ट सही है, तो वो एक मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर आ जाता है। अब मिस इंटरप्रिटेशन व्हेन रॉन्गली मेड आइदर इनोसेंटली और इंटेंशनली इज कॉल्ड मिस इंटरप्रिटेशन। यानी कि अगर आप इंटेंशनली नहीं बोल रहे, गाड़ी के एग्जांपल में मैं इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ कि मेरी गाड़ी, क्योंकि मैं तो उस चीज़ को बिलीव करता हूँ, तो मैं इंटेंशनली नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल उसको अनइंटेंशनली बोल रहा हूँ, इनोसेंटली बोल रहा हूँ, पर फिर भी वो उसको मिस इंटरप्रिटेशन ही माना जाएगा। तो इसके मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, अगर इसमें से एक पॉइंट पढ़ें, इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एवरी एग्रीमेंट मस्ट बी क्लियरली बी अंडरस्टूड बाय द कंसर्न पार्टीज। इफ वन ऑफ द पार्टीज लीड्स द अदर इवन इनोसेंटली, वही सेम चीज़ जो हमने अभी पढ़ी कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को इनोसेंटली भी कोई चीज़ सब्जेक्ट मैटर के बारे में, यानी कि गाड़ी अगर एक सब्जेक्ट है तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गलत दे रही है। रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द क्वालिटी ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इट इज कंडीशन इंटरप्रिटेशन। इनको अलग अलग तरीके से बताया गया है कि मुझे मिस इंटरप्रिटेशन किस किस तरीके से मानी जा सकती है। एसेंशियल्स ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन के क्या एसेंशियल होते हैं, अगर इसमें से एक पढ़ें, द रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी अनट्रू बट द पर्सन मेकिंग इट शुड बी ऑनेस्टली बिलीव इट और टू बी ट्रू। तो मिस इंटरप्रिटेशन किस केस में मानी जाएगी, अगर आप जैसे गाड़ी का हमने एग्जांपल लिया था, क्योंकि मैं उस चीज़ को बिलीव करता हूँ, मैं इनोसेंट हूँ, मैंने उस चीज़ को बताकर उस गाड़ी को बेचा, तो ये मिस इंटरप्रिटेशन है। पर अगर यही इसी केस में मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी गाड़ी 10 किलोमीटर पर लीटर दौड़ती है या चलती है, पर फिर भी मैं अच्छे से पता होने के बावजूद भी मैं 18 किलोमीटर पर लीटर बोलकर उस गाड़ी को सेल कर रहा हूँ, तो वही मिस इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो फ्रॉड हो जाता है। तो मिस इंटरप्रिटेशन है कि नहीं है ये पता लगाने के लिए एसेंशियल और मिस इंटरप्रिटेशन टर्म है। ये आप कैसे पता लगाएंगे, इसमें 4-5 पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। एक पॉइंट मैंने जैसे आपको पढ़ के समझाया। अब अफेक्ट्स ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन क्या होता है, अफेक्ट्स आप सिंपली समझ सकते हैं। मिस इंटरप्रिटेशन से बहुत ही ज़्यादा लॉस होने का एक हो सकता है, एक एक रीज़न बन सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम, मैं एक कंपनी को ओन करता हूँ, जो हमने कंपनी का पहले भी एग्जांपल लिया, जो सिर्फ 75 यूनिट्स ही बनाती है, पर क्योंकि मेरे पास भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं बिलीव करता हूँ, मैं उस बिजनेस पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं देता हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ कि मेरी कंपनी तो अच्छा कर रही है, वो अराउंड 100 पीसेस तो बना ही लेती होगी, मेरे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और मैंने वो बिना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के मिस इंटरप्रिटेशन इनोसेंटली वो अपनी कंपनी बेच दी। तो बेचने के बाद, क्योंकि सामने वाले कंपनी को, सामने वाले पर्सन को उस कंपनी से वही आउटपुट चाहिए जो उसने मुझसे सुना है,
बट वो आउटपुट नहीं मिल रहा है, तो उसने जो आगे कमिटमेंट्स की होंगी वो सारी कमिटमेंट्स टूट जाएंगी, उसको लॉस हो सकता है, उसको मेंटल लॉस भी हो सकता है, उसको मॉनेटरी लॉस भी हो सकता है। तो ये सारे अफेक्ट्स ऑफ मिस्टर मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर आ जाते हैं कि कैसे कैसे सिर्फ आपने तो कोई काम इनोसेंटली किया था पर सामने वाले को उसका क्या अफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट्स ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन के अंदर आएगा। लॉस ऑफ राइट टू रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, यू हैव सीन दैट द पार्टी हुज कंसेंट वॉज कॉज्ड बाई मिस इंटरप्रिटेशन कैन अवॉइड और रिसेंट द कॉन्ट्रैक्ट, हाउएवर द राइट टू राइट इज द लॉस्ट इन द फॉलोइंग केसेस। यानी कि अगर इनोसेंटली भी मिस इंटरप्रेट किया गया है तो आपके पास राइट है, आप उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकते हैं, पर कौन से केसेस में आप उनको उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते, मिस इंटरप्रिटेशन हो भी गई है उसके बाद भी आप उस कौन से केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ सकते। इफ ही कुड डिस्कवर द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिजिलेंस डिलीजेंस, इफ हिज कंसेंट इज नॉट इंड्यूस्ड बाय मिस इंटरप्रिटेशन, यानी कि अगर आप लास्ट में एट द लास्ट प्रूव कर देते हैं कि वो मिस इंटरप्रिटेशन नहीं थी, वो फैक्ट था। इफ बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज रिजाइंड द थर्ड पार्टी एक्वायर्स द सेम राइट इन द सब्जेक्ट मैटर इन गुड फेथ एंड सम कंसिडरेशन, यानी कि सामने वाली पार्टी कंसिडर कर लेती है या थर्ड पार्टी कंसिडर कर लेती है एक गुड फेथ में आपके मिस इंटरप्रिटेशन को मान लेती है, तो उस केस में भी जो जो राइट है वो लॉस्ट हो जाएगा आपका किसी के भी ऊपर भी लॉ सूट फाइल करने के लिए। तो फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन के यहाँ पर इस पार्ट में कुछ डिफरेंस बताए गए हैं 4.9 में, तो इनको भी अगर आप सिंपली पढ़ लेते हैं फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन के डिफरेंसेस को, तो आपको सारा जो मैंने भी एक एक चैप्टर का एक समरी हमने पढ़ा वो सारा आपको याद आ जाएगा सिर्फ एक ये टेबल पढ़ने से ही। अब मिस्टेक, मिस्टेक आप वर्ड से समझ सकते हैं मिस्टेक क्या होती है, सिंपली बताने की भी जरूरत नहीं है, पर मिस्टेक को बिजनेस के रूप में या कॉन्ट्रैक्ट के रूप में अगर हम देखें तो मिस्टेक क्या होती है वो हम इस 4.10 में पढ़ेंगे। मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ। तो कोई भी आपने पढ़ा फ्रॉड क्या होता है, मिस इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इन्फ्लुएंस क्या होता है, कोअर्जन क्या होता है, ये सब हमने पढ़ा इस यूनिट में। तो मिस्टेक में भी डिफाइंड एज एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग, वट एवर एन एग्रीमेंट इज मेड अंडर मिस्टेक देर इज नो कंसेंट, नो एग्रीमेंट इज नॉट वैलिड, ब्रॉडली स्पीकिंग मिस्टेक मे बी ऑफ टू टाइप्स, मिस्टेक ऑफ लॉ। तो आप इसको सिंपल टर्म्स में भी लिख सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि इन्हीं टर्म्स जो बुक्स में लिखी हुई है यही टर्म्स को आप बिल्कुल ये सेम पढ़कर आप बच जाएं। आप मिस्टेक को एक सिंपल टर्म में डिफाइन कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आपको याद क्या रखना है कि मिस्टेक इसमें दो टाइप्स की होती है, एक होती है मिस्टेक ऑफ लॉ और एक होती है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, फैक्ट का मिस्टेक करना या लॉ का मिस्टेक करना, लॉ जो हमारे इंडियन लॉज हैं उनके मिस्टेक करना, या आप किसी फॉरेन लॉ को अगर तोड़ रहे हैं तो मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, ये इसके अंदर पार्ट आ जाते हैं। तो ये अगर आप इस चार्ट के हिसाब से समझे, टाइप ऑफ मिस्टेक्स के चार्ट के हिसाब से, तो आप ये चार्ट अगर पढ़ लेते हैं तो यही सफिशियंट है आपको इस टॉपिक को समझाने के लिए या इस टॉपिक को अपने एग्जाम में बताने के लिए कि क्या मिस्टेक्स होती हैं, किस टाइप्स की होती हैं। तो इसमें से अगर हम मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ पढ़ लें, क्योंकि मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ बड़ी इजीली समझ पाएंगे, अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हम इसमें से पढ़ें, अ पर्सन इज सपोज टू नो द लॉज ऑफ हिज कंट्री बट ही कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू नो द लॉज ऑफ अदर कंट्री, देयरफॉर द लॉ ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज कैन नॉट बी अप्लाइड टू फॉरेन। यानी कि अगर आप इंडिया में किसी लॉ को तोड़ते हैं और आप कहते हैं कि आपको लॉ के बारे में आपको लॉ के बारे में नहीं पता था, तो वो केस आपके ऊपर वैलिड नहीं होता है फॉरेन फॉरेन लॉ के केस में, क्योंकि आपको इंडियन लॉ के हिसाब से अगर कोई आप एक लॉ तोड़ते हैं या इंडिया में अगर आप एक लॉ तोड़ते हैं तो ये कंसीडर होगा कि इंडियन लॉज आपको पता है और आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। बट अगर एक फॉरेन लॉ है आप उसको तोड़ रहे हैं, यानी कि फॉरेन लॉ को आपने तोड़ दिया और आप ये बोलते हैं कि मुझे फॉरेन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो ये कम्प्लीटली वैलिड स्टेटमेंट है, क्योंकि फॉरेन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी नहीं है। फॉरेन फॉरेन कैन बी कंसिडर्ड एज मैनी कंट्रीज अवेलेबल ऑन द अर्थ अदर देन इंडिया, तो आपको सारी कंट्रीज के लॉ नहीं पता होंगे। तो अगर आप एक फॉरेन लॉ को तोड़ते हैं तो इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि जो इग्नोरेंस ऑफ लॉ है वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 21 लेज डाउन दैट द मिस्टेक हैज एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, जो लॉ फोर्स इंडिया में नहीं है
हैज द सेम अफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ अफेक्ट, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड, यानी कि वो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमने फॉरेन के लॉज को तोड़ा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। बोथ द पार्टीज आर अंडर द मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ, अगर दोनों पार्टीज ने फॉरेन लॉ को मानने में या उसको अप्लाई करने में मिस्टेक किया। फॉरेन लॉ कहाँ पे कंसिडर होंगे, जहाँ पे बाहर की कंपनीज आके यहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, आप उनके साथ काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप फॉरेन लॉ की बात करेंगे। मिस्टेक एज अ फैक्ट, किसी फैक्ट के बारे में मिस्टेक करना, ये सारे एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी ले चुके हैं, कोई एक फैक्ट के बारे में मिस्टेक करना। अब इसके अंदर फैक्ट के अंदर मिस्टेक करने के अंदर पार्ट्स बताए गए हैं कि या तो बायलेटरल मिस्टेक है, यानी कि दोनों पार्टीज ने मिस्टेक किया, दोनों पार्टीज अनअवेयर थी फैक्ट के बारे में, तो बोथ पार्टीज मस्ट बी अंडर अ मिस्टेक, मिस्टेक मस्ट बी द फैक्ट नॉट अ लॉ। मतलब अगर वो किसी फैक्ट के बारे में मिस्टेक है, कोई फैक्ट छुपाया गया है, ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल ले चुके हैं बहुत सारे। मिस्टेक मस्ट रिलेट टू एसेंशियल फैक्ट, ये सारे पार्ट्स आप पढ़ सकते हैं, इनकी समरी हम एक बार पढ़ चुके हैं, इनका इनके बारे में एक बार हम पढ़ चुके हैं। मिस्टेक्स ऑफ क्वालिटी और सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर का मतलब वही होता है जो चीज़ आप बेच रहे हैं उसके बारे में मिस्टेक। उसके बाद फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, लीगल इम्पॉसिबिलिटी, ये सारे मिस्टेक्स के पार्ट्स हैं। यूनिलेटरल मिस्टेक आ जाती है इसके अंदर, इसके अंदर आ जाती है मिस्टेक एज द नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसमें एग्जांपल्स भी दिए हैं, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक बताई गई है कि अगर आप एक मिस्टेक हो जाती है, बायलेटरल मिस्टेक हो या कैसी भी मिस्टेक हो, तो उसका क्या इफेक्ट होगा। तो अगर इसमें से एक हम पढ़ें, द मिस्टेक एज द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन कॉन्टेक्टेड विद, तो आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर आप इट शुड बी नोटेड दैट अ मिस्टेक अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ द पार्टी इज अ मटेरियल इम्पोर्टेंस और टू द एग्रीमेंट। अगर हम इसमें एक एग्जाम्पल लें तो द अदर पार्टी नोज दैट ही इज नॉट इंटेंडेड टू बी द पार्टी ऑफ द एग्रीमेंट। तो अगर हम आइडेंटिटी की बात करें, अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, पर क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी एक पर्सन, यानी कि अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, एक मुझे एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खरीदने की जरूरत है, आई वॉन्ट टू बाय अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, पर क्योंकि मुझसे मिस्टेक हो जाती है, एक मैं किसी एक गलत ओनर से बात कर लेता हूँ जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है भी नहीं, वो किसी और बिजनेस में डील करता है, क्योंकि मुझसे आइडेंटिटी की मिस्टेक हो गई है, मैंने किसी और से बात कर लिया, हमारी सारी बात हो गई है, दैट आई विल बाय योर बिजनेस, सिमिलर बिजनेस है तो मिस्टेक हो सकती है, तो अगर मैंने बात कर ली है कि आई विल बाय योर बिजनेस एट अ सर्टेन प्राइस और हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ये मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी है, मैंने एक गलत पर्सन से एक डील कर ली है क्योंकि सिमिलर बिजनेस था, तो वो डील हो भी गई है, पूरे एक डील बन गई है, तो उस केस में मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी का केस आएगा। तो क्वेश्चन अगर मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी आता है मिस्टेक्स के अंदर, तो आप इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये यूनिट यहाँ पे खत्म हो जाती है। इस यूनिट के हमने अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, तो इसका एक समरी ले लेते हैं, और कुछ इशू है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा मिस्टेक ऑफ लॉ, कि लॉ के हिसाब से कैसे मिस्टेक हो सकती है, लॉ के अंदर थे इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। मिस्टेक ऑफ फैक्ट पढ़ा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करी गई थी जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मिस्टेक चैप्टर मिस्टेक यूनिट के अंदर था। फ्रॉड क्या होता है और मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होती है, हमने ये इस चैप्टर के अंदर पढ़ा। उसके बाद फ्रॉड पूरा पढ़ने के बाद, उसके पॉइंट्स सारे पढ़ने के बाद, हमने कोर्जन इस यूनिट के अंदर पढ़ा। कोर्जन एक बहुत अच्छा पॉइंट था, कोर्जन के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये कोर्जन, मिस इंटरप्रिटेशन और मिस्टेक, ये तीनों चीज़ें हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ी थी। अब हम नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ जाते हैं, कोशिश करते हैं नेक्स्ट ब्लॉक कितना ख़त्म हो सकता है, अगर जो हमारे पास बचा हुआ टाइम है, अगर इन दोनों इन यूनिट में से किसी को भी कोई इशू हो तो वो बता सकता है। और ये अगर बुक्स के बारे में, जैसे कल भी पूछ रहे थे स्टूडेंट्स, अगर बुक्स के बारे में आपको कोई भी इशू है, तो आपको मैंने जैसे अब प्रेजेंटेशन में दिखाया, ई ज्ञान कोश के ऊपर सारी बुक्स अवेलेबल हैं, ये ई ज्ञान कोश के ऊपर ही मैंने ये वाली यूनिट भी खोली हुई थी। अगर मैं आपको दिखाऊं, BOC OC 133 आप देख सकते हैं, BCOC 133 की ही के एक ब्लॉक की ये सारी यूनिट्स थी, यूनिट 1, 2, 3, 4 जो कल से आज में हमने पढ़ी। अगर इसी में मैं बैक जाऊँ तो ये ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ब्लॉक 5, इसके अंदर
सारी बुक्स अवेलेबल हैं ब्लॉक टू में अगर हम पढ़ें तो। ब्लॉक टू के अंदर कंसिडरेशन एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो हम ये नेक्स्ट यूनिट हम पढ़ते हैं। हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट यूनिट आज हम कंप्लीट कर पाएं। तो कंसिडरेशन और लीगैल एंड लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम इसकी एक समरी लें तो क्या है मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन। किसी भी चीज को कंसिडर करना, यानी कि अब हमने बात की बिजनेस की, बात की लॉज की, बात की एग्रीमेंट्स की, बात की एग्रीमेंट्स के बाद हमने पिछली यूनिट में बात की के एक्सेप्टेंस की बात की थी हमने पिछली से पिछली यूनिट में। पिछली यूनिट में हमने फैक्ट्स की बात की, मिस्टेक्स की बात की, और एक कंसेंट की हमने बात की थी, कोर्जन की बात की थी। कंसीडरेशन का क्या मतलब होता है? कंसीडरेशन का मतलब होता है अगर एक दो पर्सन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है या दो पर्सन के बीच में एक सजेशन दिया गया है, अगर सेकेंड पर्सन ने उस सजेशन को कंसिडर कर लिया है तो वो कंसिडरेशन मानी जाएगी। और लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के क्या लीगल रूल्स हैं, क्या एग्रीमेंट्स हैं कंसिडरेशन के अंदर, वो सारे हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंपल लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं, कोई भी फैंसी एक फैंसी आपको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसको आपको जिससे आपको एक ईजिली समझ में आए कि ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी एट ₹10 लाख, हियर बी प्रोमिसेज टू पे ₹10 लाख इन कंसिडरेशन फॉर एज प्रोमिस टू सेल द हाउस ऑफ एज टू सेल द हाउस इन द कंसिडरेशन फॉर बीज प्रॉमिस। तो सिंपल सी बात है, मैंने एक हाउस को बेचने की कोशिश की 10 10 लाख रुपए में, या मैंने एक एग्री किया अपने हाउस को 10 लाख रुपीज में बेचने के लिए, और बी ने मुझसे प्रॉमिस किया सिर्फ मेरी एक प्रॉमिस के बेस पे, उसने प्रॉमिस किया कि मैं 10 लाख रुपीज पे कर दूंगा। तो उसने मेरा जो प्रपोजल था उसको कंसिडर किया, ये कंसिडरेशन का इसका मतलब होता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, तो इसका भी सिंपल मीनिंग है कि जो प्रोमिस कर रहा है उसके डिजायर के हिसाब से कंसिडरेशन मूव करनी चाहिए। यानी कि मैंने जो प्रोमिस किया है आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस एट 10 लाख रुपीज, मेरे हिसाब से ही कंसिडरेशन मूव होगी, यानी कि जो सामने वाला पर्सन इस पॉइंट को कंसिडर करेगा और मुझे पैसे पे करना चाहेगा वो उसी पॉइंट पे कंसिडर करेगा जो मैंने प्रोमिस किया है, जिस चीज को मैंने प्रोमिस किया है। कंसिडरेशन में भी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, तो कंसिडरेशन जो है कि मेरे एक ऑफर की कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है। एग्जाम्पल अगर इन इसका पास्ट कंसिडरेशन का लें, अ माइनर वॉज गिवन द बेनिफिट ऑफ सर्टेन सर्विसेज बाय द प्लेंटिफ, द प्लेंटिड रेंडर्ड दो सर्विसेज नॉट वॉलेंटरली बट एट द डिजायर ऑफ ए, दीज सर्विसेज बाय वर कंटिन्यूड इवन आफ्टर द मेजोरिटी ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ ए। प्लेंटिफ इट वॉज हेल्ड दैट द पास्ट कंसिडरेशन वॉज अ गुड कंसिडरेशन। तो इसको अगर सिंपल इजी वर्ड्स में समझे तो मैं एक माइनर हूँ एंड मुझे एक बेनिफिट्स मिल रहे हैं, कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे फूड मटेरियल मिल रहा है, मुझे लाइफ मटेरियल मिल रहा है, खाने के लिए सामान मिल रहा है बाय अ पर्सन, बाय अ प्लेंटिफ मिल रहा है। और प्लेंटिफ क्यों मुझे ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि मैंने उसको बोला है आई हैव डिजायर्ड कि मैं ये सर्विसेज के बदले में इन सर्विसेज के बदले में मैं उसे कुछ एन्युइटी प्रोवाइड करूंगा जब मैं मेजर हो जाऊंगा, यानी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं एन्युइटी प्रोवाइड करूंगा। और अगर मैं इस कंसिडरेशन, यानी कि मैंने जो एक माइनर रहते हुए जो मैंने एक प्रॉमिस किया था उसको कंसिडर करते हुए बी ने मुझे सामान देना शुरू किया, मुझे सर्विसेज देनी शुरू की, और मैंने क्योंकि बड़े होने के बाद अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया, तो ये गुड कंसिडरेशन यानी कि पास्ट कंसिडरेशन के अंदर आ जाएगा कि उसने पास्ट में एक चीज कंसिडर की थी, मेरा एक प्रॉमिस को माना था और उसके हिसाब से मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी थी और मैंने अपने प्रॉमिस को फुलफिल किया, तो एक पास्ट कंसिडरेशन का एग्जाम्पल है। कंसिडरेशन मस्ट बी ऑफ सेम वैल्यू, इसका एक सिंपल सा मीनिंग है, जो मैंने अपनी प्रॉमिस किया था अगर मैं उसको उसी वैल्यू में प्रोवाइड करता हूँ तो वो कंसिडरेशन टू सेम वैल्यू के अंदर आ जाएगा। स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू अ कंट्री कंसिडरेशन। सो स्ट्रेंजर का मतलब आपको बहुत इजीली आपको सबको पता है कि स्ट्रेंजर कौन होता है, जिसको आप जानते नहीं है। अ स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट मीन अ पर्सन हु इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट,
such a person cannot bring a valid suit. तो अगर इसका stranger to contract का और stranger to consideration का मतलब पढ़े तो contract का मतलब होता है जिन दो लोगों के बीच में एक legal contract हुआ है या किसी भी type के rules के हिसाब से एक contract हुआ है, पर अगर एक person है जिसको उसके उस contract के बारे में नहीं पता तो वो legally उन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में लायबल नहीं है, उसके ऊपर आप एक लॉ सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि ही इज अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट. अब स्ट्रेंजर टू अ कंसीडरेशन का मतलब क्या है कि ए पर्सन ने दूसरे पर्सन को, अगर एक एग्जांपल लें, ए हु इज इंडेबिटेड टू बी, यानी कि ए जिसने बी से लोन लिया हुआ है, सेल इज प्रॉपर्टी टू सी, उसने अपनी प्रॉपर्टी सी को सेल कर दी. सी प्रोमिसज टू पे ऑफ द डेब्ट टू बी इन केस सी फेल्स टू पे बी हैज नो राइट टू. तो इसको आप इस एग्जांपल से भी समझ चुके होंगे या मैं सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझाऊं तो मैंने एक हाउस मैंने किसी एक पर्सन से लोन लिया और एक हाउस खरीद लिया, और जो मैंने अपना जो लोन लेने के बाद बी से मैंने एक लोन लिया था और हाउस खरीदा था, पर मैंने अपना हाउस लोन लेने के बाद सी को बेच दिया, यानी कि मैंने किसी एक स्ट्रेंजर को बेच दिया, और सी ने वादा किया बी से, यानी कि जिससे मैंने लोन लिया था उसको वादा किया कि तेरा लोन मैं सारा डेब्ट जो तेरी है वो मैं सारी वापस कर दूंगा. पर अगर इस केस में सी नहीं भी वापस करता तो बी ए के ऊपर तो केस कर सकता है, यानी कि मेरे ऊपर तो केस कर सकता है क्योंकि लोन मैंने लिया था, पर बी सी के ऊपर, एक स्ट्रेंजर के ऊपर केस नहीं कर सकता. यानी कि जो कंसिडरेशन इस केस में हुई वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है क्योंकि स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है, जो सी है वो एक स्ट्रेंजर है, उसने लोन नहीं लिया था, उसने कंसिडर नहीं किए थे पॉइंट्स, जबकि ए ने किए थे, यानी कि मैंने वो कंसिडर किए थे. तो ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन का एक एग्जांपल है. अगर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन पे कोई एक कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस एग्जाम्पल से एक सिंपल वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. लीगैलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, यानी कि अगर कोई बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उसकी कितनी लीगल वैल्यू है, क्या आप उसको कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको अपोज कर सकते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ में आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आ जाता है लीगैलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन के अंदर. तो इसका अगर हम इसके अंदर पढ़ें, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जितने भी हम यहाँ पर एक्ट्स पढ़ रहे हैं वो सारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड हैं, जितने भी सेक्शंस पढ़ रहे हैं. कंसिडरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, यानी कि कंसिडरेशन किसी पॉइंट को कंसिडर करना, यानी कि एग्री होना, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी कॉन्ट्रैक्ट का वैलिड होने के लिए. अगर कंसिडरेशन नहीं है किसी भी दो लोगों के एग्रीमेंट के बीच में तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं है, उसकी लीगैलिटी आप उसको लीगल नहीं मानेंगे, उसको उसकी उसकी लीगैलिटी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है और वो कंसिडरेशन वॉइड मानी जाएगी. प्रॉमिस टू कंपनसेट का मतलब यही होता है कि अगर कंसिडरेशन का हमने शुरू में एक एग्जांपल लिया था, एक माइनर ने जिसको सर्विसेज प्रोवाइड करी, एक मेजर ने सर्विसेज प्रोवाइड करी और उसने सिर्फ मेरे एक प्रॉमिस को कंसिडर करके मुझे सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो वो ही प्रॉमिस टू कंपनसेट के अंदर आ जाता है. मैंने प्रॉमिस किया था कि आप जो मुझे सर्विस प्रोवाइड करेंगे मैं उसके लिए कंपनसेट करूंगा आपको जब मैं बड़ा हो जाऊंगा. तो अगर इस केस में मैं अपना जो प्रॉमिस है उसको प्रॉमिस टू कंपनसेट को अगर मैं रखता हूं, अगर मैं उसको उसको वैलिड रखता हूं और उसको एथिकली उसको मानता हूं तो वो प्रॉमिस टू कंपनसेट के अंदर आ जाता है. इसमें एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ये एग्जाम्पल आप इसमें वो वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, माइनर और मेजर वाला जो हमने शुरू में डिस्कस करा था. अब लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, तो ये सारे कंसिडरेशन से रिलेटेड ही ये सारे फैक्ट्स हैं. लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस द वर्ड ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन मीन्स द सेम थिंग बट इन सम केसेस दे मे बी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल, वेयर मनी इज बोरोड फ्रॉम अ पर्पज ऑफ द मैरिज ऑफ अ माइनर द कंसिडरेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज द लोन एंड द ऑब्जेक्ट इज द मैरिज. We have already noted that agreement will not be enforceable if its object or consideration is unlawful according to section 23 of the act. ये sections आप याद रख सकते हैं. The consideration and the object of an agreement is are unlawful in following cases. तो इसमें एक example दिया marriage का.
अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है और कंसिडरेशन क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो अगर आप एक माइनर की शादी के लिए, आप अपनी बेटी जो एक माइनर है 18+ नहीं है, उसकी शादी के लिए एक लोन लेते हैं, तो इस केस में जो लोन है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है एंड द ऑब्जेक्ट इज द मैरिज। जो मैरिज है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि आप मैरिज के लिए लोन ले रहे हैं, और लोन जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो जनों के बीच में। तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट एन एग्रीमेंट विल नॉट बी अनफोर्सेबल इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द और द कंसिडर, अगर इन दोनों भी केस में से, यानी कि मैंने एक लोन लिया है अपनी बेटी की मैरिज के लिए, बट ना मैं बेटी की मैरिज करने वाला हूँ और वो लोन मैं कहीं और यूज करने वाला हूँ, यानी कि मैंने जो किसी भी, या तो ऑब्जेक्ट को या कंसिडरेशन को, किसी भी एक चीज को मैंने अनलॉफुल तरीके से किया है, या तो लोन मैंने गलत तरीके से लिया या मैं मैरिज ही नहीं कर रहा हूँ, तो दोनों ही केस में ये अनलॉफुल माना जाएगा ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन को, इसकी लीगैलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इसको इन सिंपल वर्ड्स में ही समझ सकते हैं कि लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, और आप एक मैरिज का ही एग्जांपल दे सकते हैं लीगल, अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर एग्जाम में ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन का क्वेश्चन आ जाता है। पार्शियल इलीगैलिटी होती है जिस केस में आपको पता ही नहीं है, आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन है और ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पार्शियल इलीगैलिटी के केस में आ जाएगा। एग्रीमेंट्स अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, तो जो पब्लिक पॉलिसी क्या होती है, जो हमारे लॉ के हिसाब से जो पॉलिसीज बनी हुई हैं ऑलरेडी, वो पब्लिक पॉलिसी हैं। तो अगर किन की ऐसी किसी पॉलिसीज को अपोज करते हैं, अगर कोई अपोज करता है एग्रीमेंट, अगर जो अगर मेरे और आपके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, और वो एग्रीमेंट जो हमारे लॉज बने हुए हैं पब्लिक की विलफुलनेस के लिए, पब्लिक के जो जो एक जो अपनी फंक्शनैलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें, तो हम जैसे डेमोक्रेसी में जितने भी अपने अपने जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड हैं, जितनी भी फ्रीडम हमें प्रोवाइड है, हम एंजॉय कर रहे हैं। अब मैं और एक पर्सन एग्रीमेंट करता है, पर वो जो एग्रीमेंट है वो हमारी जो जो पब्लिक पॉलिसीज ऑलरेडी बनी हुई हैं, ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से बनी हुई हैं, उन पॉलिसीज को नहीं मानता है, वो कॉन्फ्लिक्ट करता है वो एग्रीमेंट, तो वो एग्रीमेंट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स इसमें भी बताया गया, इन सिंपल वर्ड्स इट मे बी सेड दैट एन एग्रीमेंट विच कॉन्फ्लिक्ट्स विद मॉरल्स ऑफ द टाइम एंड कॉन्ट्रावीन्स एनी एस्टेब्लिश इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, इट इज वॉइड एज बींग अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी। वो जो सोसाइटी के एस्टेब्लिश इंटरेस्ट को वॉइड करता है, कॉन्ट्रावीन करता है, तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ही अलग अलग पॉइंट्स बताए गए हैं कि ट्रेड के हिसाब से कैसे एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा, या पर्सनल लिबर्टी के हिसाब से कोई एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार ही पढ़ सकते हैं, अगर इनमें से 9th पॉइंट या 8th पॉइंट हम पढ़ें, कोई भी एक पॉइंट हम पढ़ें। एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द कोर्ट ऑफ जस्टिस, एन एग्रीमेंट फॉर द पर्पज और टू अफेक्ट यूजिंग द इम्प्रॉपर इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड विद जजेस और द ऑफिसर जस्ट अवॉइड। कोई भी एग्रीमेंट जो बना है, जो हमारे जस्टिस यानी कि हमारे जजेस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करके बनाया गया है, या ऑफिसर्स के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस करके बनाया गया है, वो बिल्कुल भी एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो ये भी एक इनवैलिड एग्रीमेंट का केस आ जाता है। ये सारे अलग अलग मैरिज ब्रोकरेज, यानी कि मैरिज ब्रोकरेज, या अगर आप एक डॉरी लेते हैं तो वो भी एग्रीमेंट एक वैलिड एग्रीमेंट नहीं है। ये अलग अलग एग्रीमेंट्स के बताए गए हैं, पॉलिसीज बताई गई हैं, एग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसीज बताई गई हैं कि कौन से केसेस में एग्रीमेंट्स वैलिड हैं, कौन से केस में एग्रीमेंट वैलिड नहीं है। तो ये यूनिट यहीं पे खत्म होती है। इसमें हमने पढ़ा कि पॉलिसीज, पब्लिक पॉलिसीज के हिसाब से कौन सा एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन क्या होता है। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में हमने मैरिज का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें जो लोन है वो कॉन्ट्रैक्ट है, ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट है, सॉरी कंसिडरेशन है, और जो मैरिज है वो ऑब्जेक्ट है। तो यही एक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। उसके बाद हमने लीगैलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन पढ़ा, कि अगर किसी कोई चीज़ बिना कंसिडर करे आपने एक एग्रीमेंट कर लिया तो कितना लीगल है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि वो लीगल नहीं है। अगर बिना कंसिडरेशन के कोई एग्रीमेंट हुआ है तो वो इलीगल है, वो लीगल नहीं माना जाएगा। उसके बाद स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट और स्ट्रेंजर टू अ कंसिडरेशन हमने पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है दो लोगों के बीच में, पर एक थर्ड पर्सन है जो उसके लिए बिल्कुल स्ट्रेंजर है, तो उसके ऊपर ये लॉ बिल्कुल लागू नहीं होता।
हमने ए बी और सी का भी एग्जांपल लिया था, इसमें हाउस सेल का भी एक एग्जांपल लिया था कि हाउस है, ए ने बी को सेल किया, एक ए ने बी से एक लोन लिया और बी ए ने वही हाउस लोन लेने के बाद किसी सी को बेच दिया, तो बी और सी का क्योंकि कोई रिलेशन नहीं है, कोई आपस में वो स्ट्रेंजर्स हैं, तो उन दोनों के बीच में ना तो कोई कंसिडरेशन होगी ना कोई लॉफुल एक्शन होगा। उससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था लीगल रूल्स फॉर वैलिड कंसिडरेशन, क्या लीगल रूल्स हो सकते हैं किसी भी कंसिडरेशन के लिए, कंसिडरेशन का हमने मीनिंग पढ़ा था। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है और आई थिंक आवर टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, तो हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, कल हम सेम टाइम मिलेंगे अगर इफ इट इज पॉसिबल तो, डॉक्टर भानु विल टेक द क्लास फर्दर, इफ इट इज नॉट पॉसिबल आई विल बी अवेलेबल टू टेक द क्लास और टू टेक द काउंसलिंग सेशन। तो इस क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप चाहें तो इस क्लास को आप लीव कर सकते हैं, अगर कोई इश्यू है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यू कैन लीव द क्लास।